गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये आपका आज का वीडियो आपका उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है जो बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023, जो भी स्टूडेंट्स बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो फॉर्म भरे हैं या फिर भरेंगे, या फिर जो 2023 में पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, और यह आज का वीडियो जो आपका है आपका बिहार पॉलिटेक्निक जो का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका यह मॉडल सॉल्व पेपर है जो आपका 2019 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। 2019 में जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक का परीक्षा हुआ था उसमें यह पूछा गया प्रश्न कहीं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले फिजिक्स का वीडियो और आपका केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर, आप उसको भी जाकर आप देखिए। जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आज का वीडियो आपका है, यह मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में आपका 90 क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 30 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से। तो ये जो आज का 1 से 30 तक आपका फिजिक्स होता है और 31 से 60 आपका केमिस्ट्री होता है और 61 से आपका 90 आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन, और आप टारगेट लेकर चलेंगे कि मैथ में 30 में 30 स्कोर करने का, और आप इस तरह से आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट भी नया सीखने को मिलेगा, और आप टारगेट लेकर चलें कि 30 में 30 आना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो मैथमेटिक्स पोर्शन है आपका। और इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड है जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक जो 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। यह वीडियो आपका आज का वीडियो मैथमेटिक्स का है, आप देख पा रहे हैं आपका खंड 3 है जो आपका सेक्शन 3 है जो गणित का भाग है। गणित खंड 3 में आपका गणित रहता है और सेक्शन 3 में आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो 61 से लेकर 90 तक रहता है, उसी को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेषफल शेष रहे। तो आपको यह बताना है, लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः जो है शेषफल के रूप में 8, 14, 32 और 41 प्राप्त हो। तो इसके लिए बनाने का मेथड है, कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, चलिए तो आपको बताते हैं इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंस है, वीवीआई है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आप देख रहे हैं कि 12 में आप 8 घटाएंगे, ये देखिए 12 में कितना घटाएंगे 8, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 18 में आपका 14 घटाएंगे कितना आ रहा है 4, फिर इसी तरह आपका 36 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा 4, फिर आपका 45 में से आपका 41 घटाएंगे तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हर हाल में देख रहे हैं क्या डिफरेंस क्या है आपका 4 है, क्या है डिफरेंस 4 है, तो अंतर जो आपका क्या है 4 है। 12 में से 8 घटाने पर 4, 18 में से आपका 14 घटाने से 4,
36 में से 32 घटाने पर 4 और 45 में से 41 घटाने पर 4। तो डिफरेंट जो आपका कितना निकला, आपका डिफरेंट आ रहा है आपका 4। कितना आ रहा है? 4। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा मेथड है। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12, 18 और 36 और 45, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ 12, 18, 36 और 45। तो इसका एलसीएम जो निकालेंगे, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा आपका, आप देखिए देखिए स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कराएगा लिखने में, क्योंकि वो स्क्रीन में छोटा होता है। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं ये सब, तो आपको आएगा आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा आपका 12, 18, 36 और 45 का, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। और आपका जो डिफरेंट आया था कितना आया था, डिफरेंट कितना था, 4। तो 180 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 176, जो कि आपका आंसर हो गया। 136 में वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या किए, सबसे पहले तो आपका डिफरेंट देखना है कि 12 और 8 में डिफरेंट है 4, 18 और 14 में डिफरेंट है 4, 36 और 32 में डिफरेंट है 4 और 45 में 41 घटाएंगे तो आएगा 4। यानी जो आपका जो डिवाइजर है और जो आपका शेषफल का अंतर जो आपका जो भी आएगा डिफरेंट, तो सबका 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। तो आप सभी कैल्शियम निकाल करके उस 4 को घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 176। तो देखते हैं इसका 176 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 176। कैसे बनाए, आप 12, 8 का अंतर, 18, 14 का अंतर और 36 और 32 का अंतर और 45 और 41 का अंतर, सभी का अंतर कितना है, 4। तो सभी का एलसीएम निकाल लेंगे 12, 18, 36 और 45। 12, 18 और 36 का एलसीएम कितना होता है आपका, 180। 180 में से आप 4 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 176, जो कि आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका, पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है और क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। यानी पी से जो है अधिक 50% अधिक काम कौन करता है, क्यू कर सकता है, और क्यू को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। तो क्यू को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन आप समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका है कि पी किसी कार्य को जो है, पी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 9 दिन में, और क्यू जो है उसी कार्य को करने में पी से 50% अधिक सक्षम है। 50% ये वो क्या है, अधिक, यानी वह 50% वो वर्क वो ज़्यादा करता है, कौन, पी से क्यू। तो क्यू को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है जो आप देख पा रहे हैं। तो इसको बनाना कैसे है, देखिए कैसे बनाएंगे, ये पी जो है, पी और क्यू क्या है, दो व्यक्ति है। पी किसी कार्य को एक दिन में मान लिया करता है, ये इसका क्षमता है, क्या वो कैपेसिटी, इसको फिर से इरेज करके लिखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ता है, थोड़ा सा पी और क्यू, पी और क्यू, यह क्या है, पी और क्यू दो व्यक्ति है। पी का क्षमता जो है किसी काम को एक दिन में करता है, तो क्यू उस काम को डेढ़ 50% अधिक, 50% अधिक का मतलब वो 3/2, मतलब डेढ़, मतलब इसके एक तो ये क्या हो गया डेढ़, तो डेढ़ का मतलब क्या हो गया, डेढ़ का मतलब 3/2, डेढ़ का मतलब क्या होगा, 3/2, एक डेढ़ 50% अधिक का मतलब क्या हो गया, हाँ डेढ़ हो गया। तो डेढ़ को हम लिखते हैं आपका 3/2, तो 3/2 हो गया, तो इसका क्षमता कितना हो गया, इसका जो क्षमता हो गया इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, देंगे क्या हो जाएगा, यह अनुपात में है इस तरह का। चलिए तो यह दो तिरछा चौगुना करने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 3, तो ये आपका तो क्षमता हो गया, लेकिन इसका टाइम कितना लगेगा इसको काम करने में, तो टाइम क्या होता है उसका, कैपेसिटी का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर क्यू का कितना टाइम है आपका 2, तो यहाँ पे पूछा है क्या 2 से क्या, यह 3 है, 2 से 3, तो 9 दिन लग रहा है किसको, पी क्यू करने में, पी क्यू 9 दिन लग रहा है, यहाँ पे 9 को आप गुना करेंगे 2 से 3, मतलब 2/3, 2/3 9 को गुना करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, अब इसको जो कॉन्सेप्ट जाना तो समझ ही जाएगा,
और जिसको नहीं है तो आप इस लेसन को पढ़ेंगे। कार और कार जो आपका जो तो इस आपको इस तरह जो आपका तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का ये मेथड है। तो आप देखिए इसको कैसे गुना करेंगे, तीन को गुना कर देंगे नौ से, कितना आ जाएगा, तीन नौ कट जाएगा आपका तीन बार में, कितना बार में कटेगा तीन बार में, और तीन दुना आपका छः हो गया, तीन को दो से गुना करेंगे आपका आ जाएगा छः, कितना हो गया छः दिन लगेगा क्यू को करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, छः दिन में क्यू उस काम को, पी किसी कार्य को नौ दिन में करता है तो क्यू उसी काम को जो है छः दिन में करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कैसे बनाएं एक बार फिर से आपको हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समय लगेगा जो नया स्टूडेंट के लिए जो नहीं जानता है कुछ भी कॉन्सेप्ट, वो जानता है उसके लिए तो फिर एक सेकंड का काम है। देखिए क्या हम बताएं, पी और क्यू तो व्यक्ति है, पी का कार्य करने की क्षमता है क्यू से, पी क्यू का क्षमता पी से डेढ़ गुना है, मतलब 50% अधिक, मतलब वह एक करेगा तो वह डेढ़ करेगा, तो डेढ़ को हम कैसे लिखते हैं तीन बटा दो, ये क्षमता हो गया क्यू का, इसका कितना हो गया एक। जब इसी को हम फ्रैक्शन को पूर्ण पूर्ण बनाएंगे तो इसको पूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे, दो से गुना कर दिए, यहाँ पे दो से गुना किया तो किसको भी दो से गुना करें कितना आ जाएगा तीन, ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या किया दो से गुना कर दिया तो बच गया तीन, और इसको भी दो से गुना करना होगा बैलेंस करने के लिए, तो इसका हो गया दो अनुपात तीन, ये क्षमता हो गया पी का। तो उसका क्षमता और समय, तो उसका समय में क्या होता है उल्ट इन्वर्स होता है, तो यहाँ दो के जगह तीन आ जाएगा और अदला बदला एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जो पी को कितना दिन लगेगा तीन और क्यू को दो, दिन नहीं है वो आपका रेशियो में है, ये आपका रेशियो में है, तो इसका टाइम का रेशियो कितना कितना निकल गया थ्री इंस टू टू, थ्री इंस टू टू निकल गया। आप यहाँ से थ्री और ये इसमें कंपेयर करेंगे, थ्री और वन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइन नौ दिन, पी किसी कार्य को नौ दिन में करता है, तो लो यहाँ पे नौ दिन में करता है तो हमको क्यू का निकालना है ना, हमको क्यू का निकालना है, क्यू का कितना आया दो, तो दो को ऊपर लिखिएगा और जो बच गया वो नीचे, दो और तीन देखना आप, तो हमको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है अभी हमको कुछ नहीं देखना है, अभी आपको यहाँ देखना है कि ये दोनों को देखना है, अब दो और तीन, दो और तीन तो नौ, नौ तो था, अब क्यू का निकालना है क्यू कितना दिन में, तो दो और तीन में रिलेशन है तो दो ऊपर लिखेगा, जो क्यू का कितना टाइम है दो, क्यू का समय क्या है दो, दो अनुपात में है ये एग्जैक्ट दो नहीं है वो अनुपात है दो, दो और तीन दो, तो दो और क्षमता क्या है तीन, तो नीचे क्या लिखेंगे दो अनुपात तीन, दो अनुपात तीन, दो अनुपात तीन हो गया, दो 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 बटा तीन हो गया, तो दो बटा तीन से गुना कर देंगे तो तीन से क्या काट देंगे नौ को तीन बार में, और तीन दुना तीन को गुना कर देंगे दो से कितना हो गया छः, तो तीन गुना दो कितना हो गया छः, तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया छः, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा इस तरह का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर आ जाए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 63 आपका सात सेमी आधार वाले त्रिज्या 24 सेमी ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोह चादर की आवश्यकता है, जो कि पाई का मान दिया है 22/7, इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका शंकु की त्रिज्या कितना है, आर दिया आपका 7 सेंटीमीटर और आपका एच दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, तो एल निकालने का फॉर्मूला है आपका, एल निकालने का फॉर्मूला क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आप यहाँ पे मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा आर का मान कितना 7 का स्क्वायर इधर 24 का स्क्वायर, ठीक है तो 7 का स्क्वायर कितना होता 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता 576, अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 625, कितना हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो एल का मान कितना कितना निकल गया 25, तो एल का मान निकल गया 25, इस तरह से आप इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, ये तो आप फॉर्मूला आपको आता है ना, आर एल स्क्वायर बराबर होता है एल मतलब तिरछी ऊंचाई शंकु का, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यहाँ मान रखिएगा, तो इस तरह से आपका आर का मान 7 है एच का मान 24 है, तो इस तरह से सॉल्व करिएगा तो कितना निकल जाएगा एल का मान 25 निकल जाएगा, तो आपका आर का मान हो गया 7 एच का मान हो गया 24 और आर एल का मान कितना हो गया 25, और यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है तो टी एस ए शंकु का टी एस ए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर और इधर एल प्लस आर, ये आपका सूत्र होता है, ये क्या होता है सूत्र होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7, इधर कितना है एल का मान है आपका 25 और आर का मान कितना है
सात, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 22 बटा 7 बटा 7, तो 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा 22, इधर 7 और 25, 25 में से 7 जोड़ेंगे कितना होगा, तो आपका 32, 32 गुना, 32 गुना आपका क्या करेंगे, 32 गुना आपका 22 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, 7 हो जाएगा आपका 32 और गुना 22, तो 32 गुना 22 आपका करेंगे जो होगा उसको आंसर हो जाएगा। तो देखिए 22 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दुना 4, इधर हो गया 3 दुना 6, फिर हो गया 2 दुना 4, 3 दुना 6, कितना हो गया 6 और 6 4 10 के सुनना और 6 1 7, तो 704 आंसर इसका हो जाएगा 704। तो कहाँ पर है 704 आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में देख रहे हैं, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 704 सी एम स्क्वायर, 704 सी एम स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया। कैसे बनाएं, सीधा सब कॉन्सेप्ट है, सूत्र है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंस भी है। आर का मान 7 सेंटीमीटर है और एच का मान 24 सेंटीमीटर, और आपको एल निकालना है, एल का सूत्र, एल बिना निकाले आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, एल का सूत्र क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का मान है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस तरह से एल का मान कितना निकल गया, एल का मान आपका 25 निकल गया, आर का मान हो गया 7, एच का मान 24 और एल का मान 25, एल का मान 25, और इसका सूत्र होता है टी एस ए का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यहाँ पे मान रखिए पाई का मान 22 बटा 7 होता है, आर का मान 7 है, एल का मान 25 है, और इधर आर का मान 7 है, सभी जगह मान रखिए और मान रख करके आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। आप मान रख के दिखा दिए, आप मान भी रख लिए, इस तरह से आंसर आ गया आपका, कितना गया 22 बटा सॉरी 704 आंसर हो गया आपका, इसका सही आंसर हो गया। तो आप जान गए कि 22 बटा 7 जो था, चलिए इसको आर का मान 7 है और जोड़ेंगे एल प्लस आर, तो एल कितना है, एल 25 और 7, 25 7 कितना होगा 32, 7 7 क्या हो कैंसिल, तो 22 गुना 32 करने पर कितना आता है 704 जो कि आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको सही करना होगा तो जाकर के आपका रिजल्ट बनेगा, नहीं तो फिर आप तो देख ही रहे क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए आपको समझ में आएगा, रेगुलर वीडियो देखिए आपको बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होते चला जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा और छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा और छोटे भाई और बड़े भाई का आयु की अनुपात क्या होगा। चलिए तो इस तरह प्रश्न को कैसे बनाएंगे, सॉरी ये तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, इसके पहले तो आप 63 देखे तो ये, अच्छा अच्छा 63 के बाद 64 होगा ना, यह क्वेश्चन होगा, चलिए 63 के बाद क्या होगा 64 नंबर क्वेश्चन होगा, 64 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार टीन 12 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसे लंबाई में इस प्रकार रोल यानी वेल्डिंग किया जाता है कि आमने सामने के सिरों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जा सके, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा। चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए आप जानते हैं यह क्या है बेलन, ये आपका क्या है, ये बेलन है, ये आपका बेलन है, और बेलन का जो आपका यह त्रिज्या है, ये आपका ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका कितना दिया, आपका 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और ये जो परिधि जो है बेलन का, इसको वृत्त बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इसका परिधि कितना है 12, परिधि कितना है 12, तो आपका परिधि का सूत्र क्या होता है, सी बराबर होता है सी मतलब 12, सी क्या इतना दिया 12, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर जो होता है परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि जिसको सी से सूचित करते हैं तो परिधि, सी बराबर कितना हो गया 12, तो इसको 2 पाई आर लिखते हैं परिधि को, 2 पाई आर बराबर क्या 12, तो परिधि का सूत्र होता है, तो 2 पाई का मान क्या है, पाई को पाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाई को पाई रहने देते हैं, चलो तो 2 पाई इधर आर, इधर आर हम बराबर कितना हो गया 12, तो आर का मान हम निकाल लेते हैं इससे, कितना हो जाएगा 2 से 2 इधर 12 कट गया 6 बार में, तो आपका आ गया 6 बटा पाए, जो आर का मान निकला आपका, आर का मान कितना निकला आपका
छः बटा आर का मान निकला, आर का मान निकला आपका छः बटा पाए, रेडियस कितना निकलेगा छः बटा पाए, और निकालना क्या आपका और ऊंचाई दिया आपका, ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई दिया आपका पाँच। चलिए आप कैसे निकाल लें, आर देख लिया ना, आर का मान कितना निकलेगा छः बटा पाए, और एच आपका पाँच, और निकालना आपका है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो आप निकाल लीजिएगा बेलन का आयतन। चलिए आर का मान छः बटा पाए और एच है पाँच, इसको हम इरेज करते हैं, वीडियो को आप रोक के लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको यदि पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और तो फिर आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि अभी और आधा क्वेश्चन का सोल्यूशन बाकी है। चलिए तो देखते हैं आप आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला आपको जान रहे हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो पाए आर का मान क्या है, सिक्स अपॉन पाए, अभी तो आप देखें कि आर का मान क्या है, सिक्स बाय छः बटा पाए, तो इसका स्क्वायर, और एच का मान क्या है पाँच, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाए छः का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस, और पाए का स्क्वायर कितना होता है पाए स्क्वायर गुना पाँच, तो एक पाए से क्या हो गया, एक पाए कट गया, एक पाए से एक पाए कट गया, तो छत्तीस पंचे कितना होता है, छत्तीस पंचे का होता है, छत्तीस पंचे हो जाता है आपका, छत्तीस पंचे हो जाता है आपका एक सौ अस्सी, छत्तीस पंचे होता है आपका एक सौ अस्सी, और एक सौ अस्सी बटा पाए जो आपका क्या हो गया, ये इसका आयतन हो गया, एक सौ अस्सी बटा पाए सी एम क्यूब, देखिए आयतन का मात्रा क्या होगा सी एम क्यूब, एक सौ अस्सी बटा पाए सी एम क्यूब, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा एक सौ छत्तीस, एक ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, एक सौ अस्सी बटा पाए सी एम क्यूब, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। कैसे निकालें तो बस आप देख लें वीडियो को कि पहला काम क्या किए, फिर से हम थोड़ा सा रिव्यू करा दे रहे हैं। फर्स्ट में आपका क्या निकालें, परिधि के सहारे से आप निकाल लिए, परिधि का मान 12 दिया है, इससे हम इसका सूत्र होता है परिधि का 2 पाई आर, इसको हम मान रोक के आर का मान निकाल लिए, तो आपका आ गया 6 बटा पाए, 6 बटा पाए आपका आर का मान निकल गया, और एच का मान आपका पाए सेंटीमीटर दिया हुआ, और बेलन का आयतन निकालना है बहुत आसान है, पाए आर स्क्वायर एच सबका मान दिया हुआ, पाए का मान पाए ही होगा, और आर का मान आपका 6 बाई पाए को मान रखिएगा, और एच का मान 5 है, कैंसिल करके आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 180 बटा पाए, और आयतन है इसके लिए मात्रा क्या होता है सी एम क्यूब, तो ऑप्शन नंबर इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। तो जितना आप मैथमेटिक्स को आप मैथमेटिक्स के साथ खेलेंगे उतना आपका मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा सही होगा, नहीं तो फिर आपको डर तो लगना स्वाभाविक है क्योंकि मैथ इतना आसान तो है नहीं, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपका क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट का विज्ञापन देता है, और 650 रुपये का कुकर, 500 रुपये में 500 रुपये का एक हीटर, और 65 रुपये मूल्य का एक बैग खरीदने वाले ग्राहक को कितनी छूट मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक व्यापारी यहाँ पे स्टोर खरीदने वाले को 10% की छूट देता है, 10% का छूट विज्ञापन देता है, तो ये आपका 650 रुपये का वो आपका क्या बोलते हैं कुकर खरीदा, और 500 रुपये का आपका 500 रुपये का हीटर खरीदा, और 65 रुपये का क्या है आपका वेग खरीदा, तो कुल मिला के वो खरीदारी कितना का किया, कुल मिला के जो खरीदारी हुआ आपका पाँच के पाँच इधर छः और इधर छः, छः पाँच ग्यारह, हासिल कितना एक, अरे पाँच एक छः और छः बारह, 1215 रुपये का क्या किया वो खरीदारी किया, 1215 रुपये का क्या किया वो खरीदारी किया, तो 1215 रुपये का खरीदारी जब किया तो उसका 10% क्या है छूट है, तो 1215 का 10% छूट, तो देखते हैं इसको आप लिख लीजिए, इसको आप ये कुल इसका सीपी हुआ खरीदारी इतना खरीदा, इसमें डिस्काउंट 10% का है, ये लिखा हुआ 10% विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि 10% वो छूट देगा आपको, तो 100 में 10% 100 का 10% मतलब 100 रुपये में 10 रुपया, तो उसी हिसाब से 200 में 20 रुपया होगा, तो इस तरह से 1215 का 10% कितना होगा छूट, तो उसको आपको निकालना है। चलिए वीडियो को आप रोक के लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं कैसे होगा, तो 1200 जो आपका 15 आया, कुल जो खरीदारी किया 650 500 और 65, तो 1215, तो 1215 का जो 10% 1215 का 10% तो क्या हो जाएगा 10 बटा 100, 10% डिस्काउंट है
इसका डिस्काउंट कितना होगा, यानी छूट कितना उसको देगा। चलिए तो आप जीरो से जीरो क्या होगा, कैंसिल हो गया, और अब बारह कितना है आपका, 1215, 1215 का एक जीरो बचा हुआ था, यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, कितना हो गया आपका आंसर हो जाएगा 121। इधर रुपया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 121 रुपया 50 पैसा। तो ऑप्शन नंबर जिसमें भी होगा 121 रुपया 50 पैसा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 121 रुपया 50 पैसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो गया। कैसे निकालें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 121 रुपया 50 पैसा ये आपका इतना का उसको डिस्काउंट मिलेगा, ये आपका खरीदारी पर, क्योंकि टोटल खरीदारी की आपका जो 650 और 565 रुपया, तो कुल मिला के आपका 1215 रुपया का खरीदारी किया, 1215 का 10% का मतलब क्या, 10/100, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 121.50 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 65 हो गया, आप 66 नंबर क्वेश्चन होगा, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, हाँ चलिए ये आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन आपका है, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा, और छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे डील करेंगे देखते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है, इसमें दिक्कत करेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे यदि आप ध्यान से देंगे। तो आप लोग को ये चीज़ तो पता है कि आप वीडियो को रोक रोक के आप लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन में सारा चीज़ लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे बनाना है, आयु में जो 8 वर्ष का अंतर है, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योग 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा, और छोटे भाई और बड़े भाई का आयु का अनुपात ज्ञात करना है। आप समझ गए, तो यहाँ पर मान लीजिए दो भाई है, तो दो भाई का जो आयु है, एक का आयु x वर्ष है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, x प्लस 8। देखिए कैसे बनाना है, एक का आयु x है तो दूसरा का आयु क्या है, x प्लस 8, और 10 वर्ष बाद, जब 10 वर्ष बाद करेगा, किसी का भी उम्र 10 वर्ष बाद करेगा, 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 उसमें क्या होता है, जुड़ता है, 10 क्या होता है, उसमें से जुड़ता है। चलिए तो हम देखते हैं, तो x जो था एक भाई का x है, दूसरा का x प्लस 8, तो x में 10 जोड़ने क्या होगा, 10 हो जाएगा, फिर आपका एक जो आपका क्या x प्लस 8, तो x प्लस 8 में फिर क्या होगा, 10 वर्ष जोड़ेंगे, तो इसका जो रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट बोल रहा है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरह से वो क्वेश्चन बोल रहा है, इसके अनुसार हम उसको सॉल्व करें। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का योगफल का दोगुना हो जाता है, तो दोनों का योगफल क्या है, एक एक्स है, तो दूसरा का योगफल क्या है, एक्स प्लस 8, यानी दोनों का योगफल हो जाएगा, तो दोनों का योगफल का जो है एक्स और एक्स प्लस 8 दोनों का योगफल, तो दोनों का योगफल तो हो जाएगा एक्स प्लस, ये एक भाई एक्स है, दूसरा भाई का एक्स प्लस 8, दोनों का योगफल का क्या है, दो गुना, क्या हो जाएगा, दो गुना। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है तो आप देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को आप रोक करके ये लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉपी कलम लीजिए और एक एक चीज़ को लिखते जाइए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, अन्यथा आप वीडियो को देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन बार बार देखने पर आप उसको आप सीख जाएंगे बार बार देखने से। चलिए तो कितना हो गया, आप सॉल्व करते हैं, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, इधर कितना हो गया, 10 और 10 20 और एक 28, तो क्या हो गया, 2x प्लस 28। लेफ्ट में क्या आ गया आपका, लेफ्ट में आया आपका कितना आया, लेफ्ट में आपका एक्स प्लस एक्स, 2x हो गया, और इधर 10 10 20 एक 28, तो 2x प्लस 28 इधर आपका लेफ्ट में आया, और राइट में कितना हो जाएगा आपका, xx 2x प्लस 8 इंटू 2, तो 2x इंटू 2 4x हो गया, इधर 8 दुना 16, तो फाइनली आपका आ जाएगा आपका, इसको आप लिख, इसको डिलीट करते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, ऊपर वाला को डिलीट करते हैं, आप देखिए आप लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा, सुन सुन के, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए इधर हो गया आपका 2x, इधर कितना हो गया आपका 28, इधर बराबर 2x 1x 2x गुना 2 कितना हो गया 4x, और प्लस 8 दुना 16, ये आपका 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब नीचे वाला को मिटाते हैं, नीचे वाला को डिलीट करते हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटा है आप सभी जान रहे हैं,
बस अच्छा से आप समझ जाइए, बाकी तो आप पढ़ने वाला के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होता है, जो आपको हर चीज़ आपको घर बैठे आपको अवेलेबल हो जा रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं है उसको सॉल्व करना है। देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको मान लीजिए इधर लेके आए हैं, कितना हो जाएगा 2x-4x, तो कितना हो गया -2x, कितना हो जाएगा -2x, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x। इसको इधर ले जाएंगे तो 16 में से 28 जाएगा, क्या इधर भी माइनस हो जाएगा, ये बड़ा है तो 16 में से 28 जाएगा तो आपका बचेगा आपका 4, इधर 8 4 12 -12, तो माइनस माइनस दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपका इधर 2 से क्या हो गया 6 कट गया, 12 कट गया 2 से कितना हो 6, तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ गया, आपका आंसर नहीं एक्स का मान आया, एक्स का मान कितना आया आपका, एक्स का मान आया 6, एक्स का मान कितना आया 6, एक्स का मान कितना आया 6, चलिए एक्स का मान निकल गया आपका 6। तो आपको इसका छोटे भाई और बड़े भाई का अनुपात बताना है, तो छोटे भाई और बड़े भाई का अनुपात बताना है, तो एक्स का मान 6 निकला तो देखते हैं अब अनुपात बताना है, चलिए इरेज करते हैं, तो बड़े भाई छोटे भाई का मान लीजिए एक्स वर्ष आयु है, तो बड़े भाई का उम्र कितना हो जाएगा एक्स प्लस 8, तो इधर 6 हो गया तो इधर हो गया आपका कितना 8, यहाँ पे 6 प्लस 8 कितना होगा 14, तो छोटा भाई का 6 साल होगा तो बड़ा भाई का कितना होगा 8 6 14, तो 8 6 14, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया आपका हो जाएगा 2 3 6, इधर हो गया 2 7 14, 2 7 14, तो इस तरह से आंसर कितना आ गया 3:7, तो 3:7 आपका जिस ऑप्शन में भी है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3:7। कैसे बनाए तो आप समझ में आ गया होगा आप सभी को कि इसका आंसर 3:7 होगा, जो आपका किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो गया 3:7। अब फिर से इसको हम रिव्यू करा दे रहे हैं कि कैसे इसका बनेगा, किस तरह से इसका आंसर आएगा, तो क्या होगा आपका इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो गया आपका इस तरह का ऑप्शन नंबर बी 3:7। फिर से आपको हम बता दे रहे हैं किस तरह से इसको बनाना है, चलो एक बार आपको एक बार फिर से रिव्यू करा दे रहे हैं। दो भाई है छोटे भाई और बड़े भाई, तो छोटा भाई का आयु मान लिया एक्स वर्ष है, तो बड़ा भाई का क्या 8 साल बड़ा है, 8 साल का अंतर है तो एक्स प्लस 8 हो गया उसका बड़ा भाई का उम्र। तो अब बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष इसमें भी जुटेगा, एक्स में भी 10 वर्ष जुटेगा और इधर भी जुटेगा, तो एक्स प्लस 8 10 वर्ष इसमें भी जुटेगा। इसके बाद रिजल्ट बोल रहा है कि दोनों का योगफल का, तो दोनों का योगफल मतलब एक्स और एक्स प्लस 8 इसका 2 गुना हो जा रहा है, जिसको जब सॉल्व करने पर आपका आ गया था कितना आ गया था एक्स, तो इस तरह से आपका जो सॉल्व करके आप देख लिए कि इस तरह से आपका ये बन जाएगा। चलिए तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं, आप वीडियो को बैक करके देखिएगा या फिर लिख लीजिएगा, आपको एक बार में ही सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आप वीडियो को आराम से रोक रोक के लिखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो दिक्कत तो होगा। चलिए एक स्कूल के, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा ना, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की आयु की माध्य आयु कितना घट जाएगी। चलिए तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, तो उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया, तो परिणाम उसका शिक्षक की माध्य आयु क्या होगा। देखिए 30 शिक्षक में से 60 वर्ष की आयु का शिक्षक क्या होगा, सेवानिवृत्त हो गया, तो आपको सब पता है, और उसके स्थान पर 30 वर्ष का आया, तो अन्य शिक्षक जो आया 30 वर्ष का, तो 60 वाला चला गया, आया कितना 30 वाला, स्वाभाविक है इसका जो क्या होगा एवरेज क्या हो जाएगा आपका माध्य क्या होगा कम हो जाएगा, क्योंकि वो 60 का रिटायर हुआ और आया 30 का, तो इसका तो क्या हो जाएगा माध्य क्या हो जाएगा आयु घट जाएगा, कितना घटेगा उसी को तो आपको बताना है। चलिए कैसे बनेगा आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है। मान लिया कि 30 शिक्षकों का जो माध्य आयु है वह क्या है एक्स वर्ष है, मान लीजिए जो टोटल कितना शिक्षक है 30 शिक्षकों का जो माध्य आयु जो है वह क्या है
एक्स वर्ष है, ठीक है, मीन जो आपका औसत बोलते हैं एवरेज, तो कितना एक्स वर्ष है 30 शिक्षकों का, ठीक है, या जो 30 शिक्षक है इसका मादा आयु कितना है एक्स वर्ष, तो और कुल आयु कितना है एम, कुल आयु कितना है, कुल आयु आपका क्या हो जाएगा एम, चलिए कुल आयु आपका मान लिए एन हो गया, चलो क्या मान लेते हैं एन मान लेते हैं, कितना है एन, एन मान लिए, तो आप देख ली जान गए कि मीन माध्य जो आपका क्या है जिसको मीन बोलते हैं, मीन कितना माने एक्स, और कुल टोटल एज जो आपका क्या है, टोटल एज कितना है आपका एन मान लिया, ठीक है, तो आप मीन का फार्मूला आप जानते हैं, मीन का फार्मूला क्या जानते हैं, टोटल बटा क्या नंबर, क्या होता है नंबर मतलब सम, क्या होता है सम इसको बोल सकते हैं, सॉरी मिट गया, चलो मीन क्या हो गया, मीन मीन इक्वल टू आपका मान लिया लेट, माना कि वह 30 शिक्षकों का मीन कितना हो गया एक्स वर्ष, क्या है एक्स वर्ष, और कुल जो है आपका टोटल जो है आपका टोटल क्या है सम, जिसको सम बोलते हैं, क्या हो गया सम, सम कितना हो गया आपका एन मान लिया, तो जो मीन का जो फार्मूला है आपका, मीन का फार्मूला क्या होता है सम अपन नंबर, तो मीन को क्या माने हैं एक्स माने हैं, और एन सम को क्या माने एन, और नंबर आपका संख्या कितना है 30, तो ये आपका 30 शिक्षक है, तो आपका निकल गया, इसको आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए, उसके बाद आगे का सोल्यूशन को हम लिखेंगे, चलिए तो इसके बाद आपका ये इस तरह का चीज़ देखने को मिला, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, चलिए हम डिलीट करते इरेज करते हैं, तो ये आपका हो गया, तो जो मीन हो गया एक्स था और सम आपको कितना था एन माने हैं, माना हुआ चीज़ है, यहाँ पे 30 शिक्षक है, इस तरह का आपका रिलेशन आया, चलो इसको मान लिया हम, उसको समीकरण एक मान लिया, इसको मान लिया, इस तरह का रूप आपको आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो परिवर्तित जो पुनः जो आपका एक शिक्षक क्या हो गया रिटायरमेंट हो गया, उसके बदले में दूसरा न्यू ज्वाइनिंग किया, तो आपका जो नया जो माध्य आएगा, नया जो मीन आएगा क्या आएगा, जो आपका नया मीन मान लीजिए वाई है, नया मीन क्या है मान लीजिए वाई है, जो माध्य है नया वाला न्यू वाला, ये वाला न्यू वाला है वाई मान लिया, और पुराना वाला क्या एक्स, ये क्या पुराना, ये आपका ओल्ड वाला है जो पहले वाला, ये ओल्ड है, और ये आपका क्या है न्यू है, न्यू है, तो इसमें से क्या हुआ एन तो आपका पहले से कुल था, इसमें से क्या हो गया आपका 30 वाला आया और 60 वाला क्या हो गया चला गया, तो संख्या तो आपका 30 ही है, क्योंकि 30 ही है, 30 टीचर है, तो एक गया और उसके बदले में एक आया, तो 30 वाला आया और 60 वाला चला गया, तो 60 वाला क्या घट गया, तो इस तरह से आपका वाई का जो मान आया आपका, ये प्लस माइनस सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा एन प्लस कितना हो गया सॉरी माइनस हो जाएगा ना 30 में से 60 में से 30 ये आपका एम माइनस 30 हो जाएगा एन माइनस 30 बटा कितना हो गया 30, तो इस तरह से आपको उसको और सॉल्व कीजिएगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा एन को 30 से भाग करें तो क्या होगा एन बटा 30 आ जाएगा, और 30 को 30 से भाग करें तो क्या हो जाएगा 1, इस तरह का रूप आपको देखने को मिला, वाई बराबर कितना हो गया आपका वाई बराबर आया आपका एन बटा 30 माइनस 1, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, देखिए आप लिखें इनको समझ में आएगा, तो आप यहाँ पर इसको वीडियो को रोक के लिख लीजिए, तो दूसरा रूप जो आया वाई बराबर क्या आ गया एन बट्टा 30, तो पहला रूप आपका क्या था एक्स बराबर आपका न्यू मीन जो था आपका पुराना मीन था आपका पुराना माध्य था एक्स बराबर एन बटा 30, और दूसरा वाला नया वाला जो था वाई बराबर एन बाय 30 माइनस 1, तो इसको आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए तो फिर आपको समझ में आएगा, चलिए तो पहला जो आपका मीन था आपका एक्स बराबर कितना था एन बटा 30, ये आपका समीकरण एक था, और दूसरा वाला जो वाई नया वाला जो था उसका कितना आया एन बटा 30 माइनस 1, इसको मान लीजिए हम इसको मान लीजिए समीकरण एक दो ले लेंगे, तो समीकरण जो दो में जो है एक का मान रखने पर, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं एन बाय 30 के बदले में एक्स लिख सकते हैं, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब एक्स क्या है पुराना माध्य और एक क्या है घट रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पुराना और नया में क्या रिलेशन निकला, तो पुराना और नया में रिलेशन निकला कि पुराना जो है आपका और नया में जो रिलेशन निकला, पुराना से क्या हो गया एक वर्ष घट गया नया वाला, नया वाला जो न्यू वाला जो मीन है आपका पुराना से एक वर्ष कम हो गया,
तो एक वर्ष घट गया, मतलब यहाँ माइनस है तो घट गया, तो ऑप्शन नंबर किस में है? एक वर्ष घट जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए वीडियो ये क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, इसको वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो आप इस वीडियो को देख लेते हैं दो चार पांच वीडियो मैथ का, तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आप अच्छा से स्कोर कर पाएंगे बिहार पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस जो एग्जामिनेशन होता है। चलिए, तो इस तरह का आपका समझ गए कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो आपका माइथ बराबर क्या होता है, कुल संख्या या कुल आयु बटा आयु है, तो आयु रहेगा, संख्या अगर संख्या रहेगा तो क्या होगा, कुल आयु बटा, यहाँ पे आयु है इसलिए आयु, कुल आयु बटा आपका संख्या, संख्या 30 है तो एक पुराना मान माइथ को x माने हैं तो, और कुल जो आपका संख्या है उसको n मान लिया तो n बटा 30 हो गया। और इस तरह से y जो उसमें क्या हो रहा है इसको आप करके दिखाएं कि जो भी था उसको आप वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इस तरह से आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर वी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन आपके लिए कर रहे हैं, आप उसको वीडियो को रोक रोक के लिखते जाइए और ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, एक वर्ष घट जाएगी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है 68 नंबर क्वेश्चन। गीता से 1.34 किमी की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड बाद आवाज़ सुनती है, आवाज़ की यात्रा करने की गति क्या है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो 1.34 जो आपका 3-4 किलोमीटर क्या है उसका दूरी है, तो दूरी आपका क्या है, दूरी आपका 1.34 किलोमीटर है तो उसको मीटर में करते हैं कन्वर्ट, क्योंकि आपको मीटर में नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे सेकंड में आपका टाइम दिया हुआ है, तो आपका इसका जो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 334 इधर कितना आ जाएगा 30, तो 1.2 क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका इसका दूरी निकल गया 1340 मीटर। चलिए 1340 मीटर आ गया आपका दूरी, ये आपका डिस्टेंस निकल गया डी। तो इस तरह से आप इसको आप अच्छा से लिखते जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको बना रहे हैं। तो इसका दूरी निकल गया आपका 340 मीटर और समय आपका कितना है 4 सेकंड। तो आप चाल निकालना है, उसका गति निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो इसको आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, दूरी कितना दिया आपका 1.34 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, क्यों, कि 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर जो आपका होता है 1000 मीटर के बराबर, इसलिए किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना कर दिया, इस तरह से मीटर बन गया। तो 0.30 आ गया और उसके बाद 2 अंक पे 0 था, इसलिए 2 अंक क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका 1340, दूरी निकल गया 1340। तो इसको वीडियो को रोक के लिख लीजिए, दूरी निकल गया आपका 1340 दूरी निकल गया, और आपका समय दिया है, टाइम कितना है आपका 4 सेकंड, समय कितना दिया 4 सेकंड, और यह दिया आपका मीटर, तो मीटर पर सेकंड में आपका चाल निकल जाएगा। तो स्पीड, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है आपका, दूरी आपका कितना है, दूरी आपका है 1340, दूरी कितना है आपका 1340, तो इसको 4 से आप भाग कीजिएगा, 4 से भाग कीजिएगा तो आपको कैंसिल कर दीजिए, तो 4 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा 4 × 12 बचा कितना, 4 × 12 तो 13 में 12 गया, 1 बचा इधर गया 14, 4 × 12 बचा 2 तो इधर गया 20, तो 4×5 = 20, तो आपका हो गया आपका 335, कितना आया इसका आंसर 335 मीटर पर सेकेंड, ये आपका निकल गया इसका चाल। स्पीड कितना निकल गया, जो स्पीड जो निकला इसका स्पीड निकल गया आपका 335 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए 335 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन है किसी में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आवाज़ की यात्रा करने की गति क्या हो जाएगा आपका 335 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 335 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न का कलेक्शन है बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश इंट्रेंस परीक्षा में, यह सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और सभी महत्वपूर्ण भी है। इस तरह का क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो फिर आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे इंट्रेंस एग्जाम में। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं,
अगला प्रश्न आपका 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 1800 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 378 रुपया है, तो वर्षों में समय ज्ञात करना है, यानी आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है सीआई का। देखिए सीआई का सूत्र होता है, सीआई का सूत्र होता है पी इंटू क्या होता है, 1+R/100 इंटू पावर में आपका होता है एन जो समय होता है -1। ये आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है, या क्या आपका फार्मूला है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी सीआई का यह फार्मूला है, सीआई इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 पर पावर एन -1। ये आपका सूत्र है, ये आपका क्या है, सूत्र है। अब देखिए कैसे बनेगा, सीआई आपका दिया है, सीआई कितना दिया आपका 378 और आर दिया आपका 10% और आपका यह 1800 जो दिया आपका, 1800 आपका क्या दिया है, मूलधन दिया है, मतलब पी 1800 दिया मूलधन। तो आप यहाँ पे मान रखेंगे इसको, यहाँ पर क्या रखेंगे 378 बराबर यहाँ पे मूलधन कितना है 1800, इधर एक और जोड़ में कितना है आर का मान है 10 और बटा क्या 100 और पावर में क्या है एन, इसके बाद एक, ये आपका यह सूत्र में है। अब इसको लिख लिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, तो फिर आपको आगे का सॉल्यूशन को आप लिखेंगे, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, इसको लिखने में थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, इसलिए आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक के लिख लीजिए वीडियो को ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आगे का चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए तो हम देखते हैं इसको, इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं, और आपका एक और एक में से 10 को जोड़ें कितना हो गया आपका 1/10 हो गया, इस तरह से 11/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम आपका 378 जो था इसको 1800 को इधर हम नीचे बटम कर दें, ठीक है, और यहाँ पर हम इस तरह जो सॉल्व करके आ गया आपका 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा 11/10 पर पावर कितना एन और -1, ये आपका बचेगा। आगे का जो सॉल्यूशन आपका 00 कैंसिल कर देंगे, 10 का 0 और इधर 100 का 0 कैंसिल कर देंगे, क्या आपका फाइनली बचेगा, और उसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो आपका 11/10 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में था ना, 1+R/100 था, तो इस तरह से आपका बनेगा सॉल्यूशन, इस तरह से आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो अब क्या करते हैं, इस एक को हम लेफ्ट में लेके आते हैं, तो यहाँ माइनस इधर रख के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 378 बटा क्या हो जाएगा 1800 इधर माइनस इधर रख के क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा बराबर 11/10 पर पावर कितना एन। इसको आप अच्छा से वीडियो को रोक रोक के लिखते जाइएगा, तो इस तरह से भिन्न का जोड़ करेंगे, फिर आपका ये वाला को भिन्न का जोड़ करेंगे, ये वाला जो पोर्सन इसको क्या करें, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो 1800 प्लस 378 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 2178, क्या हो जाएगा, तो 1800 प्लस यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे क्या होगा 1800 प्लस और यह 378। तो इसको वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, हम वीडियो को इरेज करते हैं, चलिए ऊपर वाला को इरेज करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सभी एक बार एक साथ डिलीट कर देना आपको दिखेगा नहीं, हमको भी लिखने में असुविधा होगा, क्योंकि हमको भी तो दिखाई नहीं दे रहा ना, हम तो इसी को देख के लिख रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, छोटा स्क्रीन है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1800 को 378 जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा आपका 2100 आ जाएगा 78, क्या आ जाएगा 2100, भिन्न का जोड़ आप करिएगा तो कितना आ जाएगा 1800 प्लस 378 कितना हो गया 2178 बटा क्या हो गया 1800 और बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर में हो जाएगा 11/10 पर पावर एन, ये होगा। अब नीचे का इरेज करते हैं, क्योंकि आपको ऊपर वाला लिख दिए, अब नीचे का इरेज करते हैं, आप समझते हुए आपको उतारना है वीडियो को रोक रोक के, इसके बाद देखिए क्या होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो आपका कैंसिल कर सकते हैं आप जिस तरह से भी कैंसिल कीजिए, 2178 को 1800 से आप जैसे कैंसिल करो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉरी इरेज हो गया, अच्छा चलो फिर से लिख देते हैं, क्या हो गया आपका
यहाँ पे कितना था, 2178, 2178, यह क्या था, 2178, 2178। तो 2178 को आप 1800 से भाग कीजिए। आप जिस भी तरह से भाग कीजिए, ये आपका काम है भाग करना। तो आप इसको कैंसिल करेंगे 1800 को, तो 1800 कैंसिल कर दें। चलो 1800 को 1800 कैंसिल करते हैं, और इसको सॉरी स्क्रीन छोटा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। कितना था यहाँ पर, 2178, 2178। चलिए 2178 को यदि हम 18 से भाग करेंगे तो इतना ऊपर में आ जाएगा आपका 121। कितना आ जाएगा, 121। सॉरी देख रहे हैं, बहुत सारा असुविधा होता है। चलिए फिर से इसको लिख रहे हैं, इस चीज़ को, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए तो क्या था आपका, फिर से हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था आपका, 2178 क्या था, 2178 बटा कितना था, 1800, और बराबर में कितना था, बराबर में आपका था 11 बटा 10 पर पावर n। तो 18 से इसको हम 1800 को 1800 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर ऊपर को भी 18 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 121। क्या आ जाएगा, 121 बार में 18 से काटेंगे 2178 को, तब का इधर आ जाएगा 121। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइनली आ गया, आपको बहुत दिक्कत होता है स्क्रीन छोटा में लिखने में। चलिए तो फाइनली आपका कैंसिल होने के बाद आ गया आपका 121। इतना तो आपको, आप इतना तो जानते हैं सभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आ गया 121, ऊपर में आ गया 121, और इधर आ गया आपका 100, इधर आ गया आपका 11 पर पावर कितना, 10, और पावर कितना, 11 बटा 10 पर पावर n। तो आप इसको 2100 को हम 11 बटा 10 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर 100 कैसे होता है, 10 का स्क्वायर 100। तो इधर आपका 11 बटा 10 का स्क्वायर पावर n। तो ये वाला क्या हो गया, 11 बटा 10 और 11 बटा 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका n का मान कितना निकल गया, 2। तो n का मान कितना निकल गया, 2। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या हो गया, इसका मान हो गया आपका, n का मान कितना निकल गया, 2। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर हो गया n का मान 2। तो आपका कितना निकल गया, n का मान 2। तो चलिए 2 किस में है आपका, तो इसका जो आंसर होगा आपका, n का मान कितना निकल गया, 2। तो 2 आपका d में है, क्या है, 2। चलिए तो d इसका आंसर हो जाएगा, समय निकल गया 2 वर्ष। बहुत ही देखिए, ये सब क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, आसानी से तो बनेगा नहीं, इसलिए स्क्रीन छोटा है। आप इसको सुनते हुए समझते हुए लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, किसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका सूत्र क्या था, सूत्र एक बार आपको लिख देते हैं। सी आई बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर एन माइनस 1। ये आपका सूत्र है, और सबका दिया, सी आई का मान दिया 378, पी का मान 1800 दिया, एन का मान नहीं दिया है, आर का मान दिया 10, और इस तरह से आपका ये बन जाएगा। और बनाने के बाद आपको एन का मान निकल गया आपका 2 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इम्पोर्टेंस था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को धीरे धीरे आपको लिखना है, वीडियो को रोक करके लिखते जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न का सोल्यूशन समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न में क्या है, बहुत ही मज़ेदार है, यह करने का है क्वेश्चन है, ये क्या है, करने से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका x पर स्क्वायर है, x का इस x स्क्वायर पर वर्गमूल है, तो इसको हम जो है x स्क्वायर पर ये क्या है, यह n है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको जो है यहाँ पर क्या है, करने अंदर में n है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, x पावर स्क्वायर, इधर क्या हो गया n, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट x को हम इस तरह से लिखते हैं, x पर पावर 1/2, तो 1/2, तो जो 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो रूट के अंदर में क्या n है, तो यहाँ पे नीचे क्या n आएगा, यहाँ पे इसके जगह पे क्या n है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको लिख सकते हैं, चलिए आप लिख सकते हैं। अब इस तरह से आप क्या लिखें, x पर पावर हो गया आपका 2/n, और इस पर पावर क्या है, n बाय 2, तो इस पर पावर क्या है, n बाय 2, तो n बाय 2, और हॉल पावर क्या है, फिर हॉल पावर ये x पर पावर था, ये x पर पावर था, और हॉल पावर कितना है आपका, हॉल पावर है आपका 2, यहाँ पर देखिए हॉल पावर कितना है, 2, आपका 2 हो गया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर रूट अंडर, देखिए एन यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट के अंदर एन है, तो एक्स एक्स पर पावर एन टू बाई एन इंटू एन बाई एन इंटू टू टू एन इंटू टू एन बाई टू हॉल पावर दो। तो इस तरह से आपका दो दो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये भी दो कैंसिल हो गया, एन से एन भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या हो गया एक्स पर पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये वाला आपका आंसर उसका सही हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कैसे बनाएं एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए ये जो स्क्वायर है और यहाँ पे एन है, तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा आपका ये टू ऐसे हो जाएगा, ये एन नीचे चला जाएगा और टू ऊपर आ जाएगा, अब फिर उसके पावर है एन बाई टू, फिर गुना में क्या है एन बाई टू, और इसका हॉल पावर कितना है हॉल पावर है दो, तो इस तरह से हो गया सिंपल है, दो से दो क्या कैंसिल हो गया एन से एन कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा कितना एक्स पर पावर दो जो यहाँ पर है, तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया इसका आंसर। तो इसका आप वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे ध्यान से और ध्यान से सुनेंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आता चला जाएगा। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर जो रूट थ्री पर पावर कितना है फाइव और नाइन पर पावर टू है, फिर इक्वल टू में आपका थ्री पर पावर एन और इधर थ्री इंटू है थ्री इंटू रूट थ्री, इसमें से एन का मान निकलना है। देखिए कैसे बनेगा, तो ये आपका रूट थ्री को आप रूट एक्स होता है तो इसको आप क्या लिखते हैं एक्स पर पावर एक बटा दो, यहाँ रूट थ्री है तो उसके पावर एक बटा दो आएगा, तो यहाँ पे आपका थ्री पर पावर क्या हो जाएगा पाँच बटा दो, एक बटा दो की जगह ऐसा आ जाएगा गुना नौ को हम लिख सकते हैं तीन पर पावर दो और पावर में फिर तीन दो है तो उसको ऐसे लिख दिया बराबर बराबर इस तरह से हो जाएगा, तो तीन पर पावर एन और गुना तीन और इधर तीन पर पावर क्या लिखते हैं रूट रूट थ्री है, तो रूट थ्री पर पावर क्या एक बटा दो ऐसे लिख सकते हैं एक बटा दो और इधर पर पावर कुछ नहीं तो एक है ऐसे लिख सकते हैं, तो सबका बेस यहाँ पे थ्री है, यहाँ पर सबका बेस थ्री है, इधर भी सबका बेस थ्री है, इधर भी क्या है बेस थ्री है, इधर आपका बेस थ्री, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है फाइव बाय इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्व आएगा क्या आएगा बेस क्या है सब में बराबर है तो पावर क्या होगा जुटेगा, बेस है तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो यहाँ पर थ्री और पावर क्या है पाँच बटा दो और इधर चार तीन गुना दो तो चार हो जाएगा, तो आपका पाँच बटा दो और जोड़ कितना है चार बराबर कितना हो जाएगा तीन पर पावर एन इधर आपका एक और फिर आपका आधा ऐसा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तीन जो है क्या है आपका कॉमन है, तो इन तीन क्या है दोनों में दोनों तरफ से क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, जब एलिमिनेट हो जाएगा इसके बाद बचेगा जो जो बचेगा तो बचेगा क्या आपके बचेगा आपका ये वाला बचेगा फाइव बाई टू प्लस फोर इधर बचेगा एन प्लस वन प्लस हाफ यह बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाँच बटा दो प्लस फोर इधर बचेगा एन प्लस वन प्लस हाफ, क्योंकि यह तीन तीन क्या हो जाएगा दोनों तरफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा या फिर एलिमिनेट हो जाता है। चलिए तो इसको आप सॉल्व करते हैं, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बचा ये जो बचा आपका क्या बचा, क्योंकि स्क्रीन में मिटाने में भी दिक्कत होता है क्योंकि छोटा स्क्रीन है तो बनाने में भी क्या होगा आपको बहुत ही दिक्कत होता है, तो इसलिए आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। तो आपके पास जो बचा है आपका पाँच बटा दो और इधर चार, इधर आपका राइट साइड में क्या बचा एन प्लस एक और इधर फिर क्या है एक बटा दो, इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे इसको इरेज करते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं, चलिए या फिर ऊपर वाला चीज मिटाते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको काम है आपको करना, ये वाला काम तो पहले ही हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में आ जाएगा, अब हम ऊपर बड़ा इरेज करके बना रहे हैं। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा पाँच बटा दो को पाँच बटा दो प्लस चार, तो देखिए लघुत्तम करें क्या होगा चार गुना आठ आठ और पाँच कितना होगा इनका जोड़ करने पर आ जाएगा आपका तेरह बटा हाँ तेरह बटा दो, ये आपका तेरह बटा दो लेफ्ट साइड में आ गया चार गुना आठ पाँच आठ पाँच तेरह। चलिए इधर कितना आएगा इधर आएगा आपका एन प्लस इधर इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आधार प्लस कितना हो गया एक, तो क्या होगा
आधा प्लस एक क्या होगा डेढ़, तो डेढ़ को आप कैसे लिखते हैं, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, थ्री बाई टू, तो इसको देखिए जिसका मैथ बेसिक मैथ आता है तो उसको तो दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे वाला को इरेज करते हैं, अब नीचे वाला को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं कि आंसर तो बता देना बड़ी बात नहीं है, आंसर तो बोल देंगे ये इसका आंसर है, तो इससे आपको क्या सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे नहीं, फिर नंबर भी नहीं आएगा। मैथ है आपको सीखना तो पड़ेगा, इसलिए आपको एक एक स्टेप को हम अच्छा से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब इसको हम एन का मान निकालते हैं, तो एन का मान निकालेंगे ये वाला क्या हो जाएगा, एन का मान जो कॉन्स्टेंट रख लिया तो ये वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा तेरह बटा दो, और माइनस कितना हो जाएगा तीन बटा दो। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव में क्या होता है लाइक फ्रैक्शन है, दो है तो यहाँ भी दो लगो तो क्या होगा दो, तो वैसे ही हो जाएगा ऊपर में घट जाएगा, तेरह में से तीन गया कितना हो जाएगा दस, तो दस बटा दो, जब दस बटा दो आया तो दो से कितना बार में कटेगा दस पाँच, तो एन का मान कितना निकल गया पाँच। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और मज़ेदार प्रश्न था, और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीका से आपको बहुत ही कम शब्दों में या फिर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे से आपको हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं। सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही होता है कि आपको बनाने का मतलब समझ में ही नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का। तो एन का मान निकल गया आपका पाँच, कितना निकल गया एन का मान पाँच, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि एन का मान पाँच। तो इस तरह से आप वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 71 का फाइव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका हो जाएगा पाँच, एन का मान कितना निकला पाँच, तो वीडियो को आप रोक रोक के आप लिख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन आपका है x पर पावर 4 फिर प्लस एक वन वाई एक्स पर पावर 4 का मान दिया 119, और यहाँ पे पूछा है x, इसके बाद आपका जो पूछा हुआ है ये आपका क्वेश्चन है x पर पावर 4 प्लस जो है 1 बाई एक्स पर पावर 4 और इक्वल टू 119 यह दिया हुआ है, और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का मान। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन का जो क्या हुआ कलेक्शन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जो आप सभी क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो फिर आपका मैथ में कहीं कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आपका गिवन है और इसको आप निकालना है एक्स पर पावर 3 माइनस 1 बाय एक्स पर पावर क्यूब, जो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जो है सभी तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऐसा नहीं कि मतलब इसी में, सभी तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा आपको बताते हैं, चलिए देखिए आपको बताते हैं। आप x पर पावर 4, x पर पावर 4 आप वीडियो को रोक लिखते जाइएगा, फिर नहीं तो फिर वो बहुत ही बड़ा सोल्यूशन जाएगा और फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। तो 1 बाई एक्स पर पावर 4 और बटा एक्स पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर दिया कि डाउनेस 119 दिया हुआ है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो गया आपका ये तो हो गया, तो इस तरह का चीज़ को हम इसका सूत्र होता है आपका, इसका सूत्र क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सूत्र हो जाएगा आपका। इसका जो सूत्र होगा आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसको सूत्र में तोड़ेंगे तो क्या एक्स पर पावर 4 इधर हो जाएगा 1 बाय एक्स पर पावर 4 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये आपका सूत्र होता है, इसको याद रख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा एक्स पर पावर 4 और इधर आपका 1 बाय एक्स पर पावर 4 प्लस 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान, तो आप यहाँ पे पहले से ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं कि इसका मान आपका यहाँ पर दिया हुआ, इसका मान कितना दिया 119, इसका मान कितना दिया 119, इसका मान 119, 119 और 2 कितना हो गया 121, कितना हो गया 121, तो इसका मान हो गया 121। आगे फिर बढ़ते हैं, इसका मान कितना निकल गया 121, चलिए 121 हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लिए तो इसका मान कितना निकल गया आपका 121। चलिए इसको इरेज करते हैं, तो फिर आगे फिर हम बात करते हैं इसका मान कितना निकल गया 121।
तो इरेज करके आपको वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, इरेज करने इरेज करते हैं आप उसको देखिएगा, तो इसका मान हो गया आपका 121। इसका मान कितना निकल गया 121। कितना मान हो गया इसका 121। इसका मान हो गया आपका 121। आप देखिएगा कैसे बनता है। इसका मान हो गया आपका 121। इसका मान हो गया 121। ठीक है, 121 121 हो गया। जब 121 हो गया और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको इसको हटा देंगे, मतलब इसको वर्गमूल को हटा देंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, तो वर्गमूल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका, वर्गमूल लग जाएगा। 121 का वर्गमूल हो जाएगा। जब 121 का वर्गमूल हो जाएगा तो निकल जाएगा आपका इसका 11। तो यहाँ पे क्या देख लिए कि 1x² प्लस 1/x² का मान निकल गया 11। x² प्लस 1/1, देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था तो आपका 121 था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा। तो इस तरह से आपका निकल गया 11। इसका मान कितना निकल गया 11। इसका मान निकल गया 11। अब आगे आपको आगे बढ़ना है। जब इस तरह का मान आपका निकल गया कितना 11। चलिए यहाँ तक वीडियो को आप क्या करेंगे, यहाँ तक वीडियो को लिख लीजिएगा रोक करके, उसके बाद आगे का प्रोसेस को हम कर रहे हैं। चलिए इरेज करके ही बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे हम यहाँ तक तो आ गया, चलो चलो इसको डिलीट ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको तो इस चीज़ तो यहाँ तक लिख लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको जो है क्या लिख सकते हैं आपका, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसका जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, x² प्लस 1/x² माइनस 2। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। इसको याद रखिएगा, x माइनस अलजेब्रा का सूत्र है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, x² प्लस 1/x² माइनस 2। तो इसका मान यहाँ से यहाँ तक आपका मान आपका अभी आप निकालें, कितना निकालें इसका मान 11। तो इसके बदले में हम 11 लिखेंगे और माइनस 2, तो फाइनली कितना निकल गया आपका माइनस सॉरी 9। इसका मान निकल गया आपका 9। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान निकल गया 9। कितना निकल गया 9। चलिए यहाँ तक आप लिख पा रहे हैं, इसको भी आप लिख लीजिए, नोट डाउन करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। जब इतना हो गया तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया इस तरह का चीज़ को आपको, कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान निकल गया 9। कहाँ से निकला, तो फार्मूला होता है, आप निकाल लें इसका मान 9। तो 9 निकल गया। तो फिर आगे हम इसको स्क्वायर हटाएंगे, इसको स्क्वायर हटाएंगे क्या, आगे यहाँ वर्गमूल आएगा, फिर इरेज करते हैं। देखिए इसका मान कितना निकलेगा 9। इसका मान कितना निकलेगा 9। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर यदि हम इसको, इसका मान कितना निकला 9 निकला। तो यहाँ से हम यदि इसको इरेज करते हैं, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो वर्गमूल लगाने क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, प्लस 3 भी होगा और माइनस 3 भी होगा, क्योंकि वर्गमूल कभी भी होता है तो वो प्लस माइनस दोनों होता है। तो x माइनस 1/x, अब x माइनस 1 का मान, x माइनस 1/x का स्क्वायर था 9, लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 का 1/x का मान हो गया प्लस माइनस 9। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब ऐसा हो गया तो हम इसको 1/x पर पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है आपका x³ माइनस 1/x³ और माइनस 3 इंटू, देखो इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं कि वो नहीं हटा, क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं मुसीबतों का सामना करने के लिए कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। देखिए 1/x का पावर कितना 3, इसका सूत्र क्या होता है आपका, x³ माइनस 1/x³ फिर इंटू माइनस 3 इंटू x माइनस 1। इसी चीज़ को तो आपको निकालना है, इसी चीज़ को क्या करना है, निकालना है, जो कि आपको पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है आपका, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। यह वाला पोर्शन का मान आपको पूछा है, यह वाला पोर्शन का मान क्या है, पूछा है। चलिए किसका मान पूछा है, ये वाला का मान पूछा है, x³ माइनस 1/x³, इसी का मान पूछा है। और इसका मान तो आपको पता है कि 3 होगा प्लस माइनस 3, इसका मान क्या होगा प्लस माइनस 3। तो सभी का मान तो आपको क्या है, पता है, तो आप यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे,
मान रखेंगे तो क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखते हैं, मान रखते हैं इसका मान कितना है आपका, तीन। इसका मान क्या है, तीन, तीन का क्यूब। चलिए, और इसका मान तो निकालना ही, इसका मान तो निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब और माइनस तीन, और इसका मान है तीन। तो इस तरह से आपका है, तो इसका मान आपको निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, ये वाला एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब। देखिए आप देख पा रहे हैं कितना छोटा स्क्रीन है और कितना अच्छा सबको हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपका इसको ऊपर वाला इरेज करते हैं, अब तो आंसर आ जाएगा, अब तो फाइनल आंसर आने वाला है। चलिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंस प्रश्न है और बहुत ही डिफिकल्ट बोला जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो भी बोलो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो समय लगेगा है, या तो आप रट लेंगे उसका अलग बात है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, अब जो आएगा देखिए, इसका मान आ जाएगा, इसका मान होगा 27, क्या हो जाएगा 27 बराबर एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, इधर क्या हो गया नोतिया 27। अब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, आप सॉल्व करेंगे, आप इस सब चीज़ को इरेज करते हैं पीछे वाला, आप तो आंसर आएगा डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। चलिए, हमको निकालना है, किसका आंसर निकालना है, इसका मान, ये वाला का मान निकालना है। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, इसी का मान निकालना है। तो ये क्या होगा 27, इधर जाके माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 प्लस 9 तो कितना हो गया आपका 36। तो इसका आंसर हो गया आपका 36, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि निगेटिव भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस माइनस 36 हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर होगा आपका, तो इस तरह से आपका प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्लस को भी लेके बढ़ेंगे तो आपका आंसर आएगा और माइनस को भी लेके बढ़ेंगे तो आंसर आएगा। तो 72 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा नहीं कि निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव से भी आएगा, स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 36, तो ऑप्शन नंबर सी दिखता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, प्लस माइनस 36। तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था, बहुत ही VVI, जितना VVI कर देंगे वो क्या है, देखिए इस तरह क्वेश्चन को आप, समय तो लगेगा क्योंकि इसको डायरेक्ट आप कर नहीं सकते हैं, या तो आंसर रटना पड़ेगा, तो कितना आंसर रटेंगे, मान बदल देगा ना, फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए आप बनाने सीख जाइए तो फिर आपको बन जाएगा, या तो आपको मोबाइल स्क्रीन है तब ना इतना समय लग रहा है, आप कॉपी में बनाएंगे तो बहुत कम समय में ये सब क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि 999 एक्स प्लस 888 वाई बराबर 1332 और 888 एक्स प्लस 999 वाई बराबर 555 हो, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंस और सभी क्या है, ये क्या है आपका, दो चर वाला रेखीय समीकरण है, तो दो चर वाला रेखीय समीकरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपका 999 एक्स प्लस कितना है, फिर से लिखते हैं 999 एक्स और आपका प्लस है 888 वाई बराबर कितना है 1332, और फिर दूसरा समीकरण आपका है 888 एक्स प्लस कितना है 999 वाई बराबर कितना है 555। तो इस तरह का है आपका, तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी को क्या करते हैं, 111 से भाग कर देंगे, सभी को 111 से भाग कर देंगे, कितना जगह 111 से भाग करेंगे कितना जगह, ये आपका आ जाएगा 9 बार में कट जाएगा, 9 एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 8 वाई, इधर हो जाएगा आपका, ये जो कटेगा 111 से भाग करें तो आपका 12 हो गया। इसको समीकरण एक मान लेते हैं, तो सभी को क्या करते हैं 111 से भाग कर देंगे, कितना हो गया 999 को 111 से भाग, 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8, इधर आएगा 12। तो इस तरह से नीचे भी कटाएंगे, ये भी कट जाएगा कितना, ये आपका 8x हो जाएगा, इधर भी कट जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9y हो जाएगा, और इस तरह से आप ये भी कटेगा कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया, तो एक नया समीकरण बन गया 9x प्लस 8y बराबर 12, और इधर इक्वेशन 1 हो गया, और इधर 8x प्लस 9y इक्वल टू 5 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो इस तरह से आपका इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। चलिए, तो क्या आया, न्यू इक्वेशन आपका आया 9x प्लस 8y इक्वल टू आपका हो गया 12, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और फिर आपका इधर 8x इधर क्या हो गया आपका 9y इक्वल टू हो गया 5, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, आप बहुत सारा मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो क्या करते हैं, किसी एक को कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको गुना करेंगे किससे,
9 से इसको गुना करेंगे किससे, 8 से, तो ये वाला जो है क्या आपका, सॉरी ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 9 से, क्योंकि आपको y कटाना है, किसी को भी एक को कटा सकते हैं, इसको 9 से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे किससे, 8 से, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 981 एक्स, इधर हो जाएगा 9872 वाई, इधर हो जाएगा आपका 8864 एक्स, इधर हो जाएगा आपका 9872 वाई, क्योंकि वाई का कटाना मेरा मकसद है। इधर भी यहाँ पे गुना होगा 12 में 78 से 108 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 8540, तो इधर हो गया इस तरह का। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो इस तरह से क्या हो गया आपका 72y और 72y क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, 72y और 72y क्या हो जाएगा आपका, 72y और 72y कट जाएगा। साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ प्लस है इसलिए दोनों माइनस हो, इधर भी तो 72y 72y कट गया, तो 81 प्लस क्या हो जाएगा, 81 में क्या होगा 64 घटेगा, 81 में 64 घटेगा कितना, ऊपर वाला इरेज करते हैं। चलिए आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ऊपर वाला को इरेज करते हैं, ऊपर वाला क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करके ही बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको आप तो समझ जाइएगा, लिखते जाइएगा समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं तो फिर आपको बार बार देखना पड़ेगा और इरेज आपको समझना पड़ेगा। देखिए तो 81 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, 17x, कितना आएगा 17x, इधर हो गया आपका माइनस है, तो 108 में 140 घटेगा कितना बचेगा, 68 कितना बचेगा, 68, ये आपको 68 बचेगा, तो 17 चूँकि कितना हो गया 68, तो x का मान कितना निकल गया आपका, x का मान 4 निकल गया, तो x का मान 4 निकल गया, तो किसी भी समीकरण में मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए x का मान कितना निकल गया, 4, तो x का मान आप देख पाएंगे कि x का मान कितना निकल गया आपका, 4 निकल गया, x का मान कितना निकल गया, 4, इस तरह से x का मान कितना निकल गया आपका, 4, तो x का मान 4 निकल गया, और तो कोई भी समीकरण में आप मान रखिएगा तो क्या होगा, 9x, x का मान 4 है तो 9 गुना x 9 था, तो x का मान कितना होगा 4, फिर क्या होगा प्लस 8y बराबर इधर कितना था 12, तो यहाँ पर 8y का मान निकलेगा कितना होगा 12, तो 12 में से ये क्या होगा घटेगा कितना, 9 के 36, तो क्या हो जाएगा 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा आपका 36 में से 12 घटेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस आएगा तो आपका बचेगा 6 में से 2 गया 4 बचा यहाँ 3, 3 में से गया 2 माइनस 24, तो 8 से कटाएंगे क्या होगा, 8 से कटाएंगे क्या 8 या 24, तो आपका वाई का मान निकल गया -3, वाई का मान कितना निकल गया आपका -3, वाई का मान निकल गया आपका -3, एक्स का मान 4 निकला और वाई का मान -3, तो इस तरह से आपका एक्स का मान 4 निकला और वाई का मान -3, तो आपको यहाँ पे पूछा है x²-y², तो आप देख पा रहे हैं इसको इरेज करते हैं, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, इरेज करते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि x²-y², क्वेश्चन क्या पूछा है, x²-y², तो आप तो समझ गए हैं कि सारा खेल उसका समझ में आ गया कि एक्स वाई निकाल लिए, तो x²-y², तो x², तो x का है 4 का स्क्वायर और इधर -3 का स्क्वायर, तो चलिए 4 का स्क्वायर कितना 16 और -3 का स्क्वायर कितना 9, तो 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इम्पोर्टेंस है और टाइम टेकन इसमें क्या है, समय बहुत ज़्यादा लगेगा यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि बनाना तो दूर की बात है, बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कम समय में बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनने वाला है, तो आपका क्योंकि आप पेन पकड़ के बैठे रहेंगे परीक्षा में और कुछ होने वाला नहीं, इसलिए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी वीडियो को देखिए और आप कॉपी में लिखते जाइए, आप सभी तरह का क्वेश्चन को आप सीख जाएंगे, तो इसका आंसर हो गया 7, तो इसका आंसर 7 है, ऑप्शन नंबर किसमें है, बी, क्या है बी, 7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 74 नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखते हैं यह भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, दो समान त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNP में यदि AB बराबर 2.25 सेमी है और MN बराबर 4.5 है, तो MN बराबर 7.5 है PN, और यह आपका कंडीशन दिया है कि जो है कोण जो है ACB बराबर है कोण MNP, यह एंगल है, M का मतलब एंगल होता है। चलिए तो इस तरह से इस कोण ABC इधर MPN हो तो BC का लंबाई क्या होगा। चलिए तो ये आपका सबसे पहले आपको जानना है कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, दो त्रिभुज ABC समरूप है क्या, त्रिभुज आपका MNP क्या है, MNP, ये आपका क्लास 10 में ऐसा क्वेश्चन बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये क्लास 10 का है। चलिए
तो MNP ये क्या है, दोनों समरूप है। तो समरूप है जिसका प्रॉपर्टी यूज होता है कि समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो MN जो है क्या हो जाएगा आपका MP, और आपका क्या हो जाएगा BC जो है आपका बराबर हो जाएगा NP का। कोई भी भुजा, तीन भुजा बराबर हो सकता है, आपको दो भुजा से आपको मान निकल जाएगा, तो AB बटा MP और इधर BC बटा NP हो जाएगा, क्योंकि आप थेल्स प्रमेय में ऐसा कुछ होता है जो समरूप त्रिभुज है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। आप त्रिभुज को थोड़ा ड्रॉ कर लेते, इसको वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए। चलिए वीडियो को रोक के लिख लिए होंगे। चलिए तो इसका त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, पहले समझ लीजिए यह क्या है, त्रिभुज है AVC और आपका यह जो है AB जो मान, AB का मान दिया है 2.25 cm, ठीक है, यह वाला दिया है आपका 2.5, और इधर आपका यह कोण क्या है, बराबर है। तो इसमें इस तरह का इतना ही चीज़ आपका इन्फॉर्मेशन है। इधर M है, इधर N है, इधर क्या है N है, N वाला यह क्या है संगत है, ये दोनों संगत है, समरूप संगत है, और इसका मान दिया आपका 4.5 cm। तो इस तरह का आपको अभी प्रॉपर्टी बताएं कि दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो AB अनुपात MP बराबर BC अनुपात NP, यहाँ पर आपको BC का मान निकालना है, तो इस सूत्र से आपका निकल जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो AB बटा दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है AB बटा MP बराबर BC बटा NP, ऐसा होता है क्योंकि संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, वो बराबर होता है। तो जिसका जिसका मान दिया उसको लिखेंगे, तो AB का मान दिया आपका क्या 2.25 और बटा MP का मान दिया आपका 4.5 बराबर आपका BC का मान तो निकालना है, BC का मान तो निकालना नहीं दिया हुआ है, और NP का मान आपका दिया है 7.5। NP का मान कितना दिया है 7.5, क्योंकि आप फिगर को भी देखेंगे, फिगर जो बनाए थे वीडियो को रोक के फिगर बनाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप यहाँ से BC निकल जाएगा, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा BC का मान। चलिए ऊपर इरेज करते हैं, अब एज करते हैं, BC का मान निकल जाएगा। तो BC का मान क्या हो जाएगा आपका 2.5 गुना आपका 7.5 बट्टा कर देंगे क्या, जो आपका BC का जो ये सामने है अपोजिट में, तो 4.5। तो अब इसको 4.5 को सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नीचे वाला एज करते हैं, यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा। चलिए तीछा तीछे गुना करने पर ऐसा कुछ होता है आपका क्या था 4.5, तो इस डेसिमल से क्या हुआ, ये डेसिमल कैंसिल हो गया, तो आपका यह कितना का टेबल में कटेगा, यह 5 का टेबल में कटेगा, तो 15×5 = 75 और 5 का टेबल में कटेगा इधर 9, तो फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको मान लीजिए डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकलना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। डेसिमल को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल को क्या करते हैं रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल में ही आंसर आएगा, और क्या आएगा, डेसिमल को रहने देते हैं। अब 9 को काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3×3 9, और इधर 3×5 = 15, तो ऊपर में जो बचा आपका, फिर इसको 3 से काटते हैं, 7×21 = 0, इधर 1×22 = 1, तो इधर 15, 3×5 = 15, 3 से कटा रहे हैं, 3×5 = 15। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट आया आपका, फाइनल रिजल्ट क्या आया, इसको नीचे का इरेज करते हैं, नीचे का इरेज करते हैं, तो फाइनल जो आया आपका आंसर, फाइनल आपका आया आपका BC का जो मान आएगा, फाइनल आएगा आपका 7.5 गुना में क्या होगा, इसको इरेज करके लिखते हैं थोड़ा सा, अब आपका आएगा, इसका जो मान आया आपका 5, अब इसको गुना करें तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा BC मान, 25×25 = 5 बचा कितना 2, और 5×37 = 2, 5×37 = 2 = 37 कितना हो गया 37, तो 1 अंक पर 0.5 इसलिए आंसर हो गया आपका 37.5। तो 37.5 तो यहाँ पर आपका 0.5 तो कहीं आपका आंसर आएगा 3.7 में गलती हो गया होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे 2.5 पे था ना, यहाँ पे 2 अंक पे था, तो 2 अंक पे था, तो 1 अंक और 1 अंक गुना में क्या आ जाएगा, 2 अंक हो जाएगा ना, 1 अंक यहाँ पे था, यहाँ पे 2 अंक था, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं आके आपका पॉइंट पड़ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे
3.75 डेसिमल में इधर हो गया था। तो आप डेसिमल को इग्नोर भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इग्नोर कर लीजिए डेसिमल को सबको, और बाद में आपका डेसिमल को काउंट करके एक अंक पे लिख देना है, क्योंकि सभी जगह तो एक अंक पर ही है। यहाँ पर भी आपका देखिए एक अंक पर है, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक है, सब जगह क्या एक अंक है, एक अंक के लेफ्ट से एक अंक के बाद आपका है। तो आप इसको यहाँ पर गुणा करके आप लिख देंगे तो आंसर हो गया 3.75। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है 3.75, इसका आंसर हो गया ए। अब डेसिमल एक दशमलव पर एक अंक के बाद है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद, यहाँ पर भी एक अंक, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक दिए गए समलंब त्रिभुज एबीसी में डीईएफ क्रमशः एबीबीसी और एसी के मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज बीईएफडी पूर्णतः क्या होगा, वर्ग, आयत, समलंब और समचतुर्भुज। तो क्या होगा, ये जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए चूंकि क्या है यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब बराबर भुजा है, बराबर भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज है आपका त्रिभुज एबीसी जो है, उसकी भुजा क्या बराबर है, डीईएफ क्रमशः एबीसी और एसी के मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज किस तरह का पूर्णतः। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है एबीसीडी के अंदर बने प्रत्येक त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, समान होगा। देखिए इसको फिगर से स्पष्ट करते हैं, ये आपका क्या है फिगर है, जो आपका क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, और प्रत्येक भुजा के अंदर क्या है, समान भुजा पर वो त्रिभुज बना है। तो यहाँ पर आपका ये किस तरह का आपका एक फिगर बनेगा, डी डी ई और एफ, या आप कहीं पर भी नाम लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो समबाहु त्रिभुज पहली बात, तो समबाहु त्रिभुज का ए बी सी डी आपका समबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, तीनों भुजा आपस में बराबर है, उसके बीच में मध्य बिंदु उसके लेकर के एक फिर एक त्रिभुज बनाया गया है, जो कि आपका डी एफ वी ई और डी एफ और डी ई और ई एफ, ये अभी भुजा को लेकर के मध्य बिंदु को लेकर एक और त्रिभुज बनाया, जो कि आपका डी एफ जो आपका क्या है बी ई के बराबर है, और डी एफ जो समांतर है बी ई के। तो आप फिगर में देख रहे हैं, और डी बी बराबर क्या है ई एफ है, तो डी एफ डी बी क्या डी एफ के समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से बी ई एफ डी जो है एक क्या है समचतुर्भुज होगा, क्या हो जाएगा एक समचतुर्भुज होगा। देखिए ये वाला जो देखिए, इसको हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये जो आपका देख रहे हैं डी एफ बराबर बी ए, डी एफ बराबर क्या है बी ई, ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। और उसके बाद डी एफ, ये जो आपका डी एफ देख रहे हैं, ये जो डी एफ है और बी ई, ये दोनों आपस में क्या है समांतर भी है, और आपका डी बी, ये क्या है डी बी, या डी बी जो है आपका ई एफ के बराबर, ई एफ के बराबर है, ठीक है। और डी बी और डी बी, डी बी जो है आपका ई एफ के समांतर भी है। तो इस तरह से क्या हो गया वी ई एफ डी, बी ई एफ डी, ये जो ग्रीन ब्लू वाला जो देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया समचतुर्भुज गया, इसका आंसर हो गया आपका समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का जो आकृति बनेगा संभव त्रिभुज के मध्य बिंदु से लेकर के जो त्रिभुज बनता है, और उसके बाद जो बी ई एफ डी जो बनेगा पूर्णतः क्या होगा समचतुर्भुज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 75 नंबर हो गया, अब 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, ए सी ऐसे वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र ओ है, और यदि वी चाप ए सी पर कोई बिंदु है और कोण ओ सी ए बराबर 20 डिग्री है, तो ए बी सी का मान जो परिमाण क्या होगा, ए बी सी का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए बी सी का मान पूछ रहा है। ए सी क्या है वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र ओ है, और यदि चाप बीच क्या है चाप है, ए सी पर कोई बिंदु है और ओ सी ए 20 डिग्री है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। चलिए ये अभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, और क्या बोलते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात तो पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है, तो इसको हम फिगर से बनाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसका मान आपको निकालना है। तो फिगर हम बनाते हैं, ये आपका क्या है एक वृत्त है, और एसी एसी क्या है एसी एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, इसका केंद्र क्या है ओ है, केंद्र इसका ओ है, तो ए ओ इधर ए बी ए सी जो है क्या है वृत्त की जीवा है, ए ओ और इधर ओ सी, ये दोनों क्या है आपका त्रिज्या है, चलिए वृत्त का त्रिज्या है, और यहाँ पे आपका कुछ दिया है, क्या दिया है आपका
एसी क्या है, बी चाप है, बी क्या है चाप है, ठीक है बी आपका चाप है, यहाँ पर बी इसको ले लिए, यहाँ पर क्या हो गया बी आपका चाप है। तो इस तरह से आपका ये जो बी और इधर सी, इस तरह से आपका यह बोला जो, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आपको ए ओ सी ए का मान दिया, ओ सी ए ये बोला मान दिया आपका 20, ये बोला कितना दिया है 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या दिया है, एक वो 20 डिग्री दिया है और बाकी चीज़ क्या है वो नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो त्रिज्या बराबर है, तो आप जानते हैं कि ये जो त्रिज्या बराबर है तो दो गो कौन भी क्या होगा बराबर होगा, दो गो भुजा बराबर होगा, दो गो कौन भी बराबर, इधर का बराबर है, यहाँ पे 20 हो गया क्या, इधर भी 20 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, दोनों 20 हो गया, 20 40 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 140, तो कौन ओ पर कितना हो गया 140 डिग्री, यहाँ पर आपका 140 डिग्री हो गया, तो 140 डिग्री यहाँ पर हो गया, तो आपका निकल गया आपका, देखिए क्या निकला 140 डिग्री जो आपका निकला, ए ओ एंगल ए ओ सी, ये आपका एंगल ए ओ सी का मान निकल गया आपका 140 डिग्री। चलिए तो आपको पूछ क्या रहा है, और आप जान रहे हैं ओ ए और ओ सी क्या है त्रिज्या है, तो आपको पूछा है क्या कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी सी का मान ये ब्लॉक एंगल का मान बताना है, तो ए बी सी का मान बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ए बी सी का मान क्या करना आपको बताना है, तो ए बी सी का मान कितना होगा, तो ए बी सी का जो मान होगा आपका, देखिए ए बी सी का मान कैसे निकलेगा, एंगल ए बी सी का मान आपको पूछा है, चलिए इस साइड लिखते हैं, तो ए बी सी का जो मान है आपका एक बटा क्या हो जाएगा, एक बटा दो, और आपका प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती एंगल का मतलब क्या हो गया, प्रतिवर्ती ए ओ सी का प्रतिवर्ती, ए ओ सी का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल ऑफ ए ओ सी, प्रतिवर्ती एंगल ऑफ ए ओ सी, ए ओ सी देखिए प्रतिवर्ती एंगल, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसका जो हो जाएगा प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल क्या ए ओ सी, तो इसका मतलब हो गया एक बटा दो, और प्रतिवर्ती एंगल जो है 360 में से 100, ए ओ सी मतलब 140 घटेगा, तो 360 में से क्या होगा 140 घटेगा, इसी को प्रतिवर्ती बोलते हैं, तो फाइनली जो आंसर आएगा इसको आंसर हो जाएगा आपका एक बटा दो गुना 360 में से 140 घटेगा, तो कितना आ गया 220, कितना आ जाएगा 220, तो 220 को 2 से काटेंगे कितना हो गया 110, तो आंसर हो गया आपका 110, तो आंसर हो गया 110, तो 110 किसमें है ऑप्शन नंबर डी, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको ऑप्शन नंबर क्या है डी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैसे बनाए, देखिए एक वृत्त है, वृत्त का जीवा क्या है ए सी है, वृत्त का जीवा क्या है ए सी, ठीक है, यहाँ पे केंद्र क्या है ओ है, तो ये दोनों तो भुजा क्या है बराबर है क्योंकि वो त्रिज्या है, तो इधर ओ हो गया इधर, और यहाँ पर आपका बी क्या है एक चाप है, बी यहाँ पे चाप है, इसका जो ये वाला कौन दिया है 20 डिग्री, तो ऑटोमेटिक क्या ये वाला 20 डिग्री हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा, तो आपको निकालना है ये वाला, तो आपको निकालना है ये वाला, निकालना ये वाला, तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री टोटल चतुर्भुज का ये कितना 360 डिग्री, तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती आधा का प्रतिवर्ती, क्योंकि इधर आधा कौन है इधर, इधर चतुर्भुज को दो भाग बांट दिया तो आधा हो गया, तो इसका आंसर जो है आपका एक बट दो गुना प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब ए ओ सी का प्रतिवर्ती, मतलब 140 का प्रतिवर्ती मतलब 360 में से आपका 140 घटेगा, तो 140 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो इसी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या हो जाएगा प्रतिवर्ती बोल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, तो प्रतिवर्ती इसका हो गया तो 360 में से 140 घटेगा जो प्रतिवर्ती है ए ओ सी का, ए ओ सी का प्रतिवर्ती, आप बताइए एक बटा दो 340 में से 140 घटेगा कितना बचेगा 220, कितना बचेगा 220, क्या बचेगा 220 बचेगा आपका 220 जब बचेगा तो 220 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 110, तो 110 जो आपका क्या हो गया यही आपका आंसर हो गया जो कि आपका क्या है ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट हो जाएगा 110 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 आपका है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है आपका, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक
पी का निर्देशांक दिया है 3 और 4, और आपका क्यू का क्यू बिंदु का निर्देशांक दिया है 7.4, और आपका आर बिंदु का निर्देशांक दिया है 3.8। तो इस तरह समकोण जो है वो पी क्या है वो समकोण पर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो समकोण वाला शीर्ष ही होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार शीर्ष लंब भी होते हैं। तो क्या हो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वह समकोण वाला शीर्ष ही होता है, अर्थात जो समकोण है किस पर समकोण है? पी पर। तो पी का जो बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका इसका लंब का जो लंब केंद्र का शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा आपका पी बिंदु। जो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है वह समकोण वाला शीर्ष ही होता है, जो समकोण का शीर्ष होता है वह जो है लंब केंद्र का निर्देशांक होता है। तो क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो है वो शीर्ष जो है क्या वो लंब भी होते हैं। तो इस तरह से आपका पी वाला जो समकोण है वही क्या हो जाएगा आपका लंब केंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा 3 और 4 उसका निर्देशांक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो आपका अतः जो है क्या है पी जो है आपका क्या है त्रिभुज पी क्यू आर का क्या हो जाएगा लंब केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर आपका बनेगा मान लीजिए ये आपका क्या है, तो आंसर तो क्या हो गया जो समकोण होगा वही क्या हो जाएगा उसका लंब केंद्र होगा। इसका फिगर से हम बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। फिगर देखिए कैसे बनेगा, जैसे ये मान लीजिए निर्देशांक है, ये आपका क्या है निर्देशांक है, तो यह त्रिभुज क्या है आपका इस तरह से त्रिभुज आपका क्या है पी क्यू आर, ये आपका क्यू पी है और ये आपका क्या है क्यू आर, इधर क्या है आपका आर। तो पी बिंदु का निर्देशांक कितना है आपका 3 और 4, और क्यू का निर्देशांक कितना है 7 और 4, इस तरह से आर का निर्देशांक आपका कितना है 3 और 8। तो इस तरह से आपका ये जो लंब केंद्र है आपका ये जो लंब केंद्र है आपका जो एस जो है आपका क्या है समकोण है, तो समकोण वाला जो लंब केंद्र होता है वही क्या होता है आपका पी जो है पी पर क्या है लंब है, पी पर पी क्या हुआ पी जो है क्या हुआ यहाँ पर क्या बोला पी पर क्या है समकोण है, पी पर क्या है समकोण है। तो जो पी वाला जो आपका निर्देशांक हो गया वही आपका क्या हो गया शीर्ष लंब भी वही हो गया, तो शीर्ष लंब भी क्या पी वाला ही हो गया। तो ऑप्शन जो 3 4 क्या हो गया उसका लंब केंद्र का भी जो है क्या हो गया लंब केंद्र का जो निर्देशांक हो गया आपका 3 और 4 हो गया। तो 3 और 4 किसमें ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 78 आपका है जब थीटा का मान 45 डिग्री है और आपको ज्ञात करना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा मतलब क्या होगा, सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री थीटा का मान है। तो सेक 45 का मान जो आपका क्या होता है, सेक 45 का मान आपका होता है √2 और प्लस और कोसेक 45 का मान क्या होता है √2, तो √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2 जो होगा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही हो जाएगा 2√2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 2√2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन किसमें है ऑप्शन सी में है 2√2, ये आपका 2√2 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है साइन पर पावर सिक्स थीटा किसके बराबर होगा। देखिए तो साइन जो आपका आप ध्यान से देखेंगे और इसको धीरे धीरे लिखते जाएंगे, क्योंकि स्क्रीन में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप उसको धीरे धीरे लिख लेंगे और आपका वीडियो को रोक के आपको लिख लेंगे, या फिर बार बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पर साइन पर पावर सिक्स थीटा और कॉस पर पावर सिक्स थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो अर्थात ये आपका हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको में तोड़ना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए ए क्यू प्लस बी क्यू इसका जो फॉर्मूला होता है आपका
ए प्लस बी, इसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू। आप वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे या फिर स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला में इसको तोड़ेंगे। तो चलिए तो इरेज करते हैं इसको, इसको क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे इसको, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसको तोड़ेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। चलिए इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, फिर आगे हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस क्या है आपका कॉस स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का प्रॉब्लम टूटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा आपका इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर का थीटा, ये इसका स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या मान हो जाएगा एक, इसका मान क्या हो जाएगा एक, और इसका साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन पर पावर क्या हो जाएगा साइन पर पावर फोर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस पर पावर फोर थीटा। आप इसको लिख लेंगे अच्छा से तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप स्क्रीन छोटा है तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप इसको लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सुन सुन के आप लिख लेंगे। इधर आपका माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो गया आपका कॉस का थीटा। तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या बना साइन पर पावर फोर थीटा प्लस कॉस पर पावर फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आया। अब यहाँ तक जो आया तो इससे हम देखते हैं क्या देखते हैं, तो देखिए तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा क्या होगा साइन स्क्वायर साइन पर पावर फोर थीटा और कॉस पर पावर फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इरेज करते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इरेज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो एक बार में मिटाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। चलिए तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन पर पावर फोर को हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इधर प्लस कॉस पर पावर फोर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का पावर कॉस, तो इस तरह होगा। और माइनस क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम एक साथ लिख देंगे ई वाला को, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आपका साइन ए और कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा आपका, इसका जो मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं इसका मान एक होता है, क्या होता है इसका मान एक, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपका
इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, और एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, इसको जब फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉब्लम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस इसका मान कैसे हो जाएगा, देखिए साइन इसका जो ये जो आपका है आपका यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इधर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जो है इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा एक, इसका मान क्या हो जाएगा एक, एक का स्क्वायर क्या होता है एक, एक का स्क्वायर एक होता है, इसका मान एक हो गया, इसका स्क्वायर एक हो गया, एक का स्क्वायर एक, इधर आपका टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर दो में से एक घट गया तो कितना हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका थ्री, यहाँ माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जुट जाएगा कितना होगा थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपका होगा जिसमें भी होगा वो सही हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, किस में है देखते हैं, तो इसको यूज करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। तो इसको कैसे बनाएं एक बार फिर से हम रिव्यू आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे जो साइन पर पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस पर पावर सिक्स थीटा को हम तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा पर होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर होल क्यूब, और आप जानते हैं कि जो आपका यह जो आपका होता है तो यहाँ पर क्या होता है आपका बन गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इस तरह से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करें क्या होगा साइन पर पावर फोर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर फोर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से आगे आप इसको तोड़ेंगे तो फिर आपका इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन एक। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आप क्वेश्चन आपका धीरे धीरे आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे देखेंगे तो ही बना पाएंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो स्क्रीन में उतना लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए अब इसको देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन, व्यंजक दिया है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय वन प्लस कोशक ए, इसका मान किसके बराबर होगा या किसके बराबर होगा, यह क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए यह जो है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय वन प्लस कोशक ए यह किसके बराबर होगा, तो देखिए यह जो वन है आपका वन, अब कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है आपका कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है कोशक स्क्वायर सॉरी क्या होता है कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है आपका कोशक स्क्वायर ए माइनस वन, यह आपका सूत्र होता है, और फिर बट्टा वन प्लस सेक ए है वन प्लस सेक ए दिया आपका वन प्लस सॉरी वन प्लस कोशक ए या वन प्लस कोशक ए, यह आपका अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा वन प्लस कोशक ए, तो यहाँ पर एक से तो इतना ही हो जाएगा आपका कोशक ए हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोशक स्क्वायर ए सॉरी ये कोशक है तो कोशक लिखेंगे कोशक कोशक स्क्वायर ए
माइनस वन ये आपका इस तरह से होगा। ये क्या आया, वन प्लस कोसेक ए, क्या आया आपका फाइनल जो आपका अभी इक्वेशन जो आया आपका सोल्यूशन आया, वन प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोसेक ए कॉमन आ जाएगा, वन वन तो क्या होगा कट जाएगा, वन वन कट जाएगा, इस कटा भी देंगे तो हो जाएगा, या नहीं तो फिर उसको क्या करेंगे कोसेक ए कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कोसेक ए कॉमन ले लेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर वन वन क्या हो गया, वन और वन आपका कैंसिल हो गया, प्लस वन और माइनस वन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपका कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बटा वन प्लस कोसेक ए। तो इसको आप इरेज करते हैं, इरेज करके आपको बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप इसको अच्छा से सुनते हुए लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समय तो लगेगा। चलिए तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो क्या लेते हैं कोसेक ए जो है कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या कोसेक ए कॉमन लेते क्या वन बचा, इधर कितना कोसेक स्क्वायर में कोसेक ए कॉमन आ गया, कितना आ गया कोसेक ए, ये आपका कोसेक ए और बटा में क्या आ जाएगा आपका वन प्लस कोसेक ए, वन प्लस कोसेक ए। अब देखिए कोसेक ए और कोसेक ए क्या हो गया कट गया, ये जो आपका वन प्लस कोसेक ए और वन प्लस कोसेक ये दोनों क्या हो कट गया, तो आपका बचा कितना कोसेक ए बचेगा, यहाँ पे इसको इरेज करके लिख देते हैं तो क्या बचा आपका, इसके बाद जो बचा क्या आपका कोसेक ए, तो इस तरह से आपका क्या होगा प्रूफ हो गया आपका ये आपका कोसेक ए। तो क्वेश्चन जो आपका था कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा वन प्लस कोसेक ए का मान जो आपका क्या आ जाएगा कोसेक ए के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिसमें भी है कोसेक ए आपका सही होगा। चलिए देखते हैं कोसेक ए किसमें है, तो आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर आप धीरे धीरे सुनते हुए लिख लेंगे एक क्वेश्चन को, बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोसेक ए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन क्या है, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है होती है उस समय सूर्य की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, मतलब इसको फिर से रिपीट कर दिया, जिस अच्छा 30 डिग्री होती है उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है, तो मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है तो उस समय जो है उस समय की तुलना में सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है और उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक होती है, तो मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो ऐसा प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए माना कि आपका क्या है, माना कि यह क्या है ए बी एक मीनार है, माना कि एक ए बी क्या है वो मीनार है, ए बी क्या है मीनार है, और यहाँ पर मान लिया जाए सी बिंदु पर आपका यह सी जो है भूमि पर एक बिंदु सी है, इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और जब यह यहाँ पर 60 डिग्री पर आता है, यह मान लिया ये 60 डिग्री है, यह तो आपका क्या है समकोण, यह तो आपका क्या समकोण, यह डी बिंदु पर क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब तो यहाँ से बी डी का दूरी कितना मान लें, बी डी मान लें दूरी मान लें एक्स मान लें, बी डी की दूरी मान लें एक्स, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 40 मीटर दूरी है जब पर डी से सी, तो आपको बताना है कि जब सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है वो 60 डिग्री, तब छाया क्या होता है, छाया का मान एक्स होता है, छाया का मान कितना होता है एक्स, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री होता है तो छाया का मान कितना होता है आपका 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री। तो इस तरह से उन्नयन कोण जब 30 होगा तो सी डी जो है 40 मीटर क्या हो जाएगा वो अधिक हो जाता है, 40 मीटर क्या होता है वो अधिक हो जाता है, मीनार की ऊंचाई क्या है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है एच, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है एच, मीनार की ऊंचाई एच है, आप इसको फिगर को बना लीजिए, फिगर को लिख लीजिए कि ए बी क्या है एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है एच, और जब डी बिंदु पर रहता है, जब सी बिंदु पर है भूमि से सी बिंदु पर, पृथ्वी से सी बिंदु पर इसकी ऊंचाई कितना होता है मीनार की चोटी का 30 डिग्री, और जब वो डी पर आता है तो वहाँ पर कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, तो बी डी की दूरी कितना मान लिया एक्स, तो कितना दूरी होता है बी से जब डी होता है आपका छाया जो है आपका 60 से 30 होता है तो आपका 40 मीटर दूर हो जाता है, 40 मीटर डी से जो है सी कितना है 40 मीटर, ये 40 मीटर क्या होता है दूर हो जाता है, तो उसका
ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज लेते हैं आपका एबीडी, एबीडी लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे एबीडी। तो एबीडी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है टेन, क्या है ये लंब और क्या है आधार है, तो टेन हो जाएगा आपका टेन 60 डिग्री। और इसका लंब क्या है आपका, लंब आपका एच है जो आपका ए बी है, आधार कितना है बी डी जो कि आपका एक्स है, और टेन 60 का मान क्या है रूट थ्री। इसको इसको थोड़ा सीरेज करते हैं, फिगर को थोड़ा सीरेज करते हैं क्योंकि फिगर ये रच करेंगे तो नहीं कलर चेंज कर लेते हैं, कलर क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। चलिए तो टेन 60 का मान रूट थ्री होता है, टेन 60 का मान रूट थ्री, तो आपका एच इधर क्या आ गया एक्स, तो एच का मान जो निकला आपका, एच का मान कितना निकला आपका रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स, एच का मान कितना निकला रूट थ्री एक्स। तो यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे तो अब दूसरे बार जब बन लेंगे त्रिभुज क्या लेंगे, हम बड़ा बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो क्या होगा इसका देखते हैं, फिर से मिटा के लिखते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी लेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एच का मान निकला रूट थ्री एच, क्या निकला एच का मान निकल गया आपका, एच का जो मान निकल, आप त्रिभुज लेंगे बड़ा बड़ा त्रिभुज तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी तो क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। और इधर लंब क्या है, लंब इसके लिए लंब तो एच ही होगा, लंब तो एच ही होगा, आधार इसका हो जाएगा एक्स प्लस 40, एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 हो जाएगा, एक्स प्लस 40 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसको अब फिगर का कोई काम नहीं क्योंकि सब चीज़ लिख लिया, अब फिगर को कोई काम नहीं है। तो इसका एच जो आप एच जो निकला था एच एच कितना निकला था रूट थ्री एक्स, और यहाँ पर आपका जो आया इधर से जो आया आपका इधर से क्या आ गया वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री बराबर कितना एच, इधर हो गया आपका एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 इस तरह से आया क्योंकि। तो यहाँ पर एच का मान यहाँ पर आपका आप निकालना क्या है, एच ही निकालना है, निकालना है आपको क्या है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है तो एच निकालना है, तो एच को तो बदलेंगे नहीं, तो एक्स का मान यहाँ से हम ले लेते हैं, तो इसको हम यदि एक्स लेते हैं तो एक्स का मान कितना हो जाएगा एच बाई रूट थ्री, एक्स का मान क्या हो जाएगा एच बाय रूट थ्री, एक्स का मान क्या हो जाएगा एच बाई रूट थ्री। तो एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे एच बाई रूट थ्री, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एच बाई रूट थ्री लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं वन बाय रूट थ्री बराबर एच बटा एक्स के जगह पे क्या लिखें एच प्लस एच बाई रूट थ्री बटा क्या प्लस क्या 40 इस तरह से होगा। जो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अब इरेज करते हैं, इसको अब इरेज करते हैं, तो इरेज करते हैं तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो इरेज करके आपको समझ में आएगा क्वेश्चन जो आया क्या, देखिए क्वेश्चन आपका ये जो फाइनल इक्वेशन आपका आ गया, फाइनल इक्वेशन आया वन बाय रूट थ्री बराबर एच बटा एच बाय रूट थ्री प्लस 40 इस तरह का रूप आया, फाइनल फाइनल इक्वेशन ऐसा आया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे एक से गुना होगा एच बाय रूट थ्री या 40 तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एच बाय रूट थ्री प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा रूट थ्री एच, रूट थ्री एच। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री इधर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको आप देखते हैं इरेज करते ऊपर वाला को, क्योंकि बिना इरेज किए बनेगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या होता है बड़ा होता है। चलिए तो यहाँ पर हम इसको अब कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, तो हम यहाँ पर 40 इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको इधर ले जाएंगे रूट थ्री एच माइनस एक्स बाई रूट थ्री को हम इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा एक्स बेटा कितना आ गया रूट थ्री, रूट थ्री ये रूट थ्री है आपका, यहाँ पे रूट तीस लिखा गया रूट थ्री है, क्या है रूट थ्री। तो अब यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन करेंगे, अब नीचे वाला को इरेज करते हैं, अब नीचे वाला इरेज करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 40 है बराबर 40 है तो रूट थ्री भिन्न का जोड़ करेंगे क्या होगा रूट थ्री गुना रूट थ्री कितना होगा थ्री एच माइनस एच बटा क्या होगा रूट थ्री। तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं, अब इसको बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं यहाँ पे एक, तो 40 को गुना रूट थ्री करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका एच थ्री एच माइनस एच तो क्या होगा टू एच, टू एच तो क्या आपका हो जाएगा आपका इधर 40 हो गया अब बराबर आपका हो जाएगा सॉरी इधर तो आपका रूट थ्री से गुना होगा रूट थ्री, जब 40 को रूट थ्री से गुना करें क्या हो जाएगा आपका
हो जाएगा आपका 40√3 बराबर आपका 3H में H घटेगा कितना हो जाएगा 2H, कितना हो जाएगा 2H। अब इसको इरेज करते हैं तो आसानी से अब आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आया क्या आ जाएगा आपका, फाइनल इक्वेशन आया आपका, आपका आया 40√3H बराबर 2H। तो 2 से क्या होगा 40 कट गया, कितना बार 20 बार में, तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया आपका H का मान, जो मीनार की ऊंचाई था, मीनार की ऊंचाई आपका निकल गया H बराबर निकल गया आपका 20√3 मीटर। तो 20√3 मीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी 20√3। तो जो ए बी जो है आपका, ए बी जो आपका आपका मीनार है, ए बी मीनार की ऊंचाई कितना निकला √3, 20√3। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी में है। तो चलिए इसका आंसर हो गया 20√3। ये सब हाइट एडिशनल क्लास आप अच्छा से पढ़े हैं तब तो आप बना ही लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 82 नंबर। अब 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन आपका है, डाटा का अनिम्नांकित में से कौन सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है। तो 82 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, डाटा का निम्नांकित में से कौन सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है, आयत, चित्र, तोरण जिसको ओझाई बोलते हैं, और फिर बारंबारता बहुभुज या फिर पाई चार्ट। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका तोरण वक्र जो है संचयी बारंबारता को दर्शाता है, तोरण वक्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा, ओझाई जिसको ओझाई बोलते हैं। तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तोरण, डाटा का जो आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है क्या तोरण, क्या हो जाएगा तोरण वक्र संचयी बारंबारता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा 82 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 83। अब 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो समान समकोण त्रिभुज LMN और त्रिभुज OPQ की लंबाई क्रमशः 48 सेमी तथा 36 सेमी है, तो OP क्या है 12 सेमी है, तो LM होगा, क्या हो जाएगा LM होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दो त्रिभुज है, जो दो समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज मान लीजिए आपका क्या है L, क्या है L आपका LMN, LMN ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज क्या है OPQ समकोण है। तो इसका जो ये जो लंब है आपका क्या 48 है, इसका लंब कितना है 36, कितना है 36, और ये जो इसका ये जो आपका आधार आपका क्या है 12, इसका आधार नहीं है, इसको मान लिया x, क्या है OP का मान 12 दिया है और इसका मान जो है आपका नहीं दिया है, कितना LM निकालना है, LM निकालना है, जिसका x मान लिया, और यह तो आपका कर्ण है, यह तो आपका क्या कर्ण है, यह तो आपका कर्ण है। तो आप एक प्रॉपर्टी होता है समकोण त्रिभुज का, उसको लगाते हैं, चलिए तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो क्या होता है NL बटा OQ बराबर हो जाएगा आपका LM बटा क्या हो जाएगा OP, और सबका मान दिया हुआ है आपका NL का मान दिया आपका 48, OQ का मान दिया है 36, और आपका OP का मान दिया है आपका LM का मान निकालना है, LM का मान जो है क्या आपका निकालना है, उसको क्या मान लिया x मान लिया, उसको क्या मान लिया x, और आपका OP का मान 12 दिया है। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिगर आप देख ली, फिगर को आप समझ लीजिए, LMN एक समकोण त्रिभुज है, LM कितना 48 और इधर आपका LN 48 है, LM x मान लिए जो नहीं दिया हुआ है, और आपका OQ आपका 36 दिया है, और आपका OP आपका 12 दिया है, इसके बाद बाकी कुछ नहीं दिया, यह रिलेशन है, उसको आप फिगर को आप देख के फिगर को लिख लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद आपको हम आगे हम इरेज करते हैं। छोड़िए उसका जो रिलेशन आया था, क्या आया था रिलेशन आया था आपका NL बटा क्या था OQ बराबर आपका क्या था LM और बटा OP। तो इसका मान दिया हुआ था LN का मान आपका 48 है, और OQ का मान कितना था 36, और LM का मान नहीं था, उसको x मान लिए, वो निकालना है, और इसका OP का मान 12 है। तो इस तरह से x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेगा, तो इसको ऊपर वाला एरेज करते हैं, क्योंकि आपको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्या होगा एक्स का मान निकल जाएगा आपका 48 × 12 बटा कितना आपका 36, कितना 36। तो अब आपको क्या करेंगे, इसको कटाएंगे आंसर आ जाएगा, तो आपका
12 का टेबल में छत्तीस कट गया तीन बार, 12 दोनों 24 बार किया 36, और 3 का टेबल में 48 कटेगा, 16 में बताते 48, तो एक्स कमान निकल गया आपका 16, एक्स कमान निकल कितना निकल गया 16, तो आपका आंसर आपका 16 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या ए इसका सही हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान है इसका 16 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको कैसे बनाना था, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, दो समकोण त्रिभुज है और भुजा का ऊंचाई दिया हुआ, इसको बनाने का सूत्र था आपका क्या था एन, क्या था एन एल, एन एल बटा ओ क्यू बराबर एल एम बटा ओ पी, और इसका एल एन का मान दिया आपका 48 और ओ क्यू का मान दिया 36 और एल एम का मान नहीं दिया, तो उसको निकालना है, तो उसको मान लिया एक्स और ओ पी का मान कितना दिया 12। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो आपका एक्स जो है आपका एल एम का मान निकल जाएगा आपका 16। तो इस तरह से 16 आपका क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दी गई आकृति ओ केंद्र है तो एक्स किसके बराबर होगा, एक्स किसके बराबर होगा, देखिए ये आपका ओ केंद्र है, यहाँ पर आपका 35 डिग्री दिया है, तो यह वाला जो है आपका एक्स है वह किसके बराबर होगा, तो वह किसके बराबर होगा, तो आप जान रहे हैं कि ओ पी, देखिए दिए गए चित्र में जो है बिंदु पी से ओ को मिला, बिंदु पी से ओ को मिला, बिंदु पी से क्या हो गया ओ को मिला, जैसे इसको 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 मिला दी, तो ये क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया, ये वाला क्या होगा बराबर, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 35 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा 35 डिग्री होंगे, दो को भुजा बराबर होगा तो कौन भी क्या होगा बराबर होगा, ये वाला कौन आपका 35 डिग्री हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है, तो ये 35 हो गया, तो इधर आपका 35 35 कितना होगा 70, तो ये वाला जो कौन कितना होगा 110 डिग्री, ये वाला क्या होगा 110 डिग्री, यहाँ पर इसका आधा होता है, तो 110 का आधा कितना 55, तो 55 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। कैसे बनाए, तो बहुत ही आसान था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये जो आपका ये इसको ओ पी को मिलाएंगे तो ये आपका त्रिज्या होगा, ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या दो, तो एक वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर होता है, यह दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होते, यहाँ पर कितना होगा 35 डिग्री, ये पर यहाँ पर कितना हो गया आपका 35 डिग्री, 35 डिग्री हो गया, तो एक त्रिभुज में तीनों कोण हो गया कितना होता है 180 डिग्री, तो 35 35 कितना होगा 70 डिग्री, तो इधर वाला जो कोण है यहाँ पर जो कोण बनेगा तो 110 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से आप 110 में 70 घटाएं कितना होगा 110 डिग्री, और आप जानते हैं कि ये जो परिधि पर का जो कोण होता है, परिधि पर का जो कोण होता है, देखिए ये जो आपका कोण है परिधि पर का कोण, केंद्र पर का कोण और परिधि पर का कोण, केंद्र का कोण से परिधि का क्या होता है आधा, तो पर केंद्र का कोण क्या है 110 डिग्री, तो परिधि पर का क्या उसका आधा, तो 155 110 का आधा कितना होता है 55, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, केंद्र में जो कोण बनता है वो परिधि के केंद्र से क्या होता है दोगुना बनता है, परिधि में एक्स बनेगा तो केंद्र में 2x बनेगा, तो इसलिए 110 होगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, ये क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में पी क्यू, हाँ क्या है पी क्यू पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ठीक है व्यास है, और पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्या है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है ठीक है, और यदि पी एस आर 130 डिग्री, ये बोला आपका 130 डिग्री है, तो आर पी क्यू बताना है, आर पी क्यू आर पी क्यू ये बोला बताना है, ये बोला ये वाला, आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज का जो आपका आसन कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 150 130 हो गया, इधर कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, तो 50 तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए देखिए यहाँ पर जो आपका है आपका पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, और पी ओ क्यू क्या है ये आपका व्यास है, तो पी एस आर 130 डिग्री है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है, अर्थात आपका पी आर क्यू यह क्या होता है आपका 90 डिग्री, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या है समकोण होता है, यह वाला जो कोण हो गया आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, यह आपका 90 डिग्री हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री,
तो यहाँ पर 180 में से 130 डिग्री घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 180 होता है, यहाँ पर ई वाला कौन हो गया 50, तो आपका आर वाला कौन हो गया आपका 90 डिग्री और क्यू वाला कौन हो गया आपका 50 डिग्री। यहाँ पर आपका यह निकलना है, क्या निकलना है, आर पी क्यू यह निकलना है। तो बताइए 90 और 50 कितना आ गया, नहीं 170 ने 50 30 80 180 होता है, तो 180 में से 130 घटाएं 50 हो गया, तो 50 का 90 और 50 कितना आ गया 140, 90 और 50 क्या हो गया 140, 140 डिग्री हो गया। तो 180 में से, तो 180 में से त्रिभुज के तीनों कोण क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पर ये बोला आर बोला हो गया 90 डिग्री और क्यू बोला हो गया 50 डिग्री, तो यहाँ पर पी निकलना है, तो 180 में से 140 घटा देंगे तो बचेगा इतना 40 डिग्री, जिसमें वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, यहाँ पर यह अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए आर कोण 90 हो गया और यह बोला 30 दिया है, और आप जान रहे हैं कि चक्र चतुर्भुज के समय कोण हो गया 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे ये वाला हो गया आपका 50 डिग्री, तो 50 हो गया इधर आपका 90 हो गया, 50 और 90 कितना, 50 और 90 हो गया 140, ये वाला कितना हो जाएगा 180 में से 140 घटा देंगे कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, बस केवल थोड़ा सा समझना होता है, क्या हो गया आपका, ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का कोण बना कोण 90 होता है, मतलब यह आर जो है आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 होता है। अब यह जो 130 है, यहाँ पे यह क्या है सम्मुख कोण है, चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, सम्मुख कोण है, आमने सामने का कोण क्या है सम्मुख कोण, तो एस और आपका क्या है क्यू, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एस का मान दिया 130, तो क्यू का मान निकल गया आपका 180 में से 130 घटा देंगे आपका 50 डिग्री, आपका 50 डिग्री हो गया, क्यू आपका हो गया 50 डिग्री, चलिए 50 डिग्री, और पी निकालना है, तो आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 50 और 90 140 डिग्री हो गया, तो यह वाला तो आप घटा दीजिए 180 में से, आप 180 में से 140 घटा देने पर कितना आता है 40 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका 40 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। चलिए बहुत ही सिंपल है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है आपका, x² - 8x² - 18x+9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये तो बहुत ही और अच्छा प्रश्न है, 9 8 72 को फैक्टर करते हैं, 200 कितना हो गया 36, फिर कितना होगा 18, फिर 2 से 9 और फिर कितना 3 से, तो इस तरह से आपका 3 गुना 3 गुना 2 गुना, इस तरह अब ब्रेक करना है और बीच वाला को लाना 18 लाना है, तो कैसे आएगा, तो आपको 18 लाना है, तो -12 और -6, तो इसका क्या हो जाएगा -12x और -6x, तो 18 हो गया और 12 आपका हो जाएगा 72 हो गया, और प्लस कितना 9 प्लस 9, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन लेते हैं, कितना होगा 2x, इधर हो जाए आपका 4 12, इधर आपका फिर माइनस है, सॉरी क्या है आपका यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो क्या लेंगे कॉमन, जो कि 2 आना चाहिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस हो जाएगा 3, तो इस तरह से इसको इरेज करते हैं, इतना आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, इसके बाद आपको फिर आगे का पार्ट को बना रहे हैं। चलिए तो इस तरह से आपका ये जो कॉमन आया आपका, इसको एक साथ करेंगे -4x और -3, तो क्या हो जाएगा 4x और -3, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरी ब्रैकेट में आपका क्या है 2x, ये आपका ये x है, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, दूसरी ब्रैकेट में आपका हो जाएगा आपका 2x-3, तो ये आपका इसका गुणनखंड हो गया 4x-3 और 2x+3, तो किस में है आपका, जो ये जो आपको देख पा रहे हैं आंसर आपका क्या है, आंसर आपका आ गया आपका क्या आया, आंसर आपका आया 4x-3 into 2x-3,
ये आपका जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। चलिए देखते हैं किसमें है, किसमें है आपका 4x माइनस थ्री और 2x माइनस थ्री। तो 4x माइनस थ्री, 4x माइनस थ्री और 2x माइनस थ्री, 4x माइनस थ्री, 4x माइनस थ्री, आपका 4x माइनस थ्री और आपका 2x माइनस थ्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2x माइनस थ्री और 4x माइनस थ्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो गुणनखंड हो गया आपका 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 का गुणनखंड हो गया आपका 2x माइनस थ्री और प्लस सॉरी इंटू 4x माइनस थ्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अब इसका क्या है, द्विघात समीकरण दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10 बराबर जीरो। तो दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल आपका जो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल होता है आपका माइनस बी बटा माइनस बी बटा सी। माइनस बी बटा क्या होता है, मूलों का योगफल जो होता है कितना नंबर क्वेश्चन है, 87 क्या है 87। तो मूलों का जो योग होता है आपका, मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी क्या है, यहाँ पे 19 है तो माइनस यहाँ पर आपका सूत्र है और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस बी है क्या है, माइनस बी है तो माइनस आपका सूत्र में है और फिर आपका 19 बी माइनस है और बटा क्या है ए का मान कितना है एक, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इसका मूलों का योगफल निकल गया आपका 19। तो 19 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 19। चलिए बहुत ही आसान है क्योंकि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट्स होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए सूत्र होता है तो माइनस बी, तो बी का जगह मान क्या है माइनस माइनस 19, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और आपका एक से भागकरण क्या 19 ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स के एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो का एक मूल 5 है तो एक्स का मान क्या होगा, नहीं के का मान क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर एक मूल आपका क्या है एक्स का मान, मूल द्विघात समीकरण है तो दो गो मूल होगा, तो एक्स एक गो मूल आपका क्या है 5 है, तो इस समीकरण में मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर 6 के इंटू क्या है एक्स का मान 5 हो जाएगा। चलिए ये तो क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको मान रखते हैं क्या हो जाएगा एक्स का मान 5, तो 5 का स्क्वायर और इधर 6 के गुना 5 और प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और इधर हो जाएगा 6 5 30 30 के और इधर प्लस 5 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा आपका 25 और 5 कितना हो गया 30, कितना हो जाएगा 30 माइनस 30 के बराबर 0। तो आपका 30 के बराबर कितना हो जाएगा, 30 के बराबर कितना हो जाएगा 30, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं तो आपका हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा 30, 30 के बराबर 30 क्योंकि ये बोला माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 30 से 30 क्या होगा आउट कैंसिल हो गया, तो k का मान कितना निकल गया, k का मान निकल गया 1, k का मान निकल गया 1। तो ऑप्शन नंबर किस में है, k का मान निकल गया 1, तो जिसमें भी 1 होगा वो आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है k का मान 1। चलिए तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, के का मान कितना हो जाएगा वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन आपका है, 89 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पर पावर एक्स बराबर बी पर पावर वाई बराबर सी पर पावर जेड, ए पर पावर एक्स बराबर बी पर पावर वाई बराबर सी पर पावर जेड और तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो वाई का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
तो क्या करना है इसे ऐसा प्रश्न को, देखिए ए पर पावर एक्स है बराबर बी पर पावर वाई बराबर सी पर पावर जेड बराबर क्या मान लेंगे के, इसको मान लिया आपको माना कि ऐसा मान लिया सभी का क्या मान लिया के, और के क्या है एक कांस्टेंट नंबर है यानी अचर राशि है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए पर पावर क्या हो जाएगा के पर पावर हो जाएगा वन बाय एक्स, ए बराबर क्या हो जाएगा के पर पावर वन बाई एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी बराबर हो जाएगा आपका बी बराबर होगा के पर पावर वन बाय वाई हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा आपका के पर पावर वन बाय जेड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा आपका के पर पावर वन बाय एक्स, बी पर पावर वन बाय बी पर पावर बी बराबर क्या हो जाएगा के पर पावर वन बाय वाई और सी बराबर क्या हो जाएगा के पर पावर वन बाय जेड, ये आपका ऐसा हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं फिर इरेज करते हैं आगे आपका आगे का सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ये आपका ये चीज़ आपका यहाँ तक आ गया। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन आपका है बी स्क्वायर बराबर आपका है ए सी, बी बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या ए सी। तो v बराबर जो आपका ए सी है तो v का मान क्या है आपका v का मान आपका निकला है k पर पावर वन बाई वाई, तो k पर पावर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v की जगह पर क्या लिखेंगे k पर v की जगह पर क्या है k पर पावर आपका वन बाई वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k पर पावर वन बाई वाई का होल स्क्वायर बराबर ए सी। तो ए का मान कितना है ए सी, ए का मान क्या आपका के पर पावर वन बाय एक्स गुना सी, सी का मान है क्या के पर पावर वन बाय जेड। तो बेस सेम रहता है पावर क्या होता है जुड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको एज करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी जो बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर आपका पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका दो पर पावर हो जाएगा आपका दो के पर पावर दो बटा वाई ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर बेस सेम रहता है पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो आपका के पर पावर क्या हो जाएगा वन बाय एक्स और प्लस हो जाएगा वन बाय जेड। तो के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका बेस सेम है तो के क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना टू बाई वाई बराबर क्या बचा वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड ऐसा बचा। और आपको निकलना क्या है वाई का मान, आपको निकलना क्या है वाई का मान, आपको चाहिए क्या वाई का मान। तो वाई का मान आपका हो जाएगा, चलिए इरेज करते हैं आगे इस रूप में आपका आ गया है। चलिए इसके बाद आपको चाहिए वाई का मान, इसके बाद चाहिए क्या वाई का मान। तो आप तो आसान हो गया अब तो निकल जाएगा। तो वाई का मान आपका इसमें किस में हो जाएगा, तो वाई का मान हो जाएगा आपका देखिए तो थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे टू बाई वाई इधर हो जाएगा आपका बिन का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा विन का जोड़ हो जाएगा आपका एक्स प्लस जेड बटा क्या हो जाएगा एक्स एक्स जेड ऐसा हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। तो इसका जो वाई का मान जो आएगा आपका देखिए इरेज करते हैं तो वाई का मान आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा वाई का मान आपका आ जाएगा दो जो है इसके तीठा तीठ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा टू एक्स जेड वट्टा एक्स प्लस जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। वाई का मान हो जाएगा टू एक्स जेड बाय एक्स प्लस जेड जो आपका सही आंसर होगा। तो टू एक्स जेड बाय एक्स प्लस जेड आपका जिसमें भी वो आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को आप धीरे से धीरे धीरे आप एक एक चीज़ को लिख लेंगे और आपका
ध्यान पूर्वक वीडियो को देखेंगे, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट होता। चले अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक्स प्लस थ्री जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बारह का एक गुणनखंड है, तो के का मान क्या होगा? देखिए गुणनखंड है तो जब इसका गुणनखंड होगा एक्स प्लस थ्री तो क्या होगा, उसको शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका माइनस थ्री। एक्स का मान निकल गया आपका माइनस थ्री, जब माइनस थ्री इसमें पुट करेंगे तो आपका के का मान निकल जाएगा। चलिए तो माइनस थ्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस के गुना माइनस थ्री और प्लस बारह बराबर कितना होगा जीरो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा आपका नाइन। क्या हो जाएगा नाइन, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा थ्री के प्लस कितना बारह बराबर जीरो। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस थ्री के प्लस बारह तीन बारह नौ हो जाएगा आपका बारह नौ इक्कीस बराबर जीरो। तो इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा थ्री के बराबर कितना हो जाएगा, थ्री के बराबर हो जाएगा इक्कीस। तो के का मान कितना हो जाएगा, तीन से कट जाएगा तो इक्कीस कितना बार में सात बार में, तो एक्स का मान कितना निकल, सॉरी के है ना, के का मान हो जाएगा आपका सात, के का मान हो जाएगा आपका सात, जो आप ऑप्शन जिसमें भी होगा वो सही हो जाएगा। तो के का मान हो गया सात, तो इसको इरेज करते हैं तो के का मान कितना हो गया सात, के का मान कितना हो गया सात, के का मान कितना हो गया सात, के का मान कितना हो गया सात। तो सात किस में है आपका, के का मान आपका है सात आपका ऑप्शन में भी। तो आपका इस तरह से बिहार पॉलिटेक्निक का जो आपका क्वेश्चन पेपर था आपका 2019 का जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था, 300 क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छा से कर दिया गया इस वीडियो में। आप बार बार देखिएगा और वीडियो को रोक करके आप सभी का सॉल्यूशन को लिखते हुए आप उसको समझते हुए लिख लेंगे, ताकि छोटा स्क्रीन है तो उसको आप देखने में थोड़ा सा असुविधा हो सकता है, लेकिन आप इसको लिख लिख के आप लिख लेंगे सर आपका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यह 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराया गया। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।